वेलकम। अब ये जो वीडियो है ये बेसिकली एक लंबा लेक्चर होगा जो कि आपके सी फैक के कॉर्पोरेट लॉ का है। इसमें बहुत सारे एक्ट्स और रेगुलेशंस हैं जो कि इस सब्जेक्ट में कवर हो रहे हैं, उसका ऑलरेडी आपको अंदाज़ा होगा। अगर नहीं है, कोई ऐसा है जो कि न्यू है और उसने सबसे पहली जो वीडियो देखी वो यही देखी है, तो उसके लिए हम ये बोलेंगे कि इसका जो सिलेबस है वो अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो सिलेबस जा करके वो वीडियो जो है वो रेफर कर ले। अच्छा, इसमें जो भी रेगुलेशंस है हमारे साथ है ये कि हम बेसिकली कैब से जो है वो करते हुए हैं, बिजनेस लॉ हमने वहाँ पे पढ़ा है और उसमें कंपनीज एक्ट पढ़ा है, हमें लॉ पढ़ना आता है, हमें चीज़ें बहुत सारी ऑलरेडी कुछ ना कुछ अंदाज़ा है, कुछ लोग कुछ भूल गए होंगे, लेकिन स्किल, एक स्किल वहाँ से एक्वायर कर ली है जो कि हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमें वहाँ कुछ खा का कुछ ब्लर इमेजेस हमारे जहन में स्टिल होंगी। सही है, तो हम यहाँ कंपनीज एप से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम उस चीज़ से स्टार्ट करते हैं जो इंटरेस्टिंग है और जो एक फ्लो में लेकर के आ जाएगी। आप सबके कैफ कंप्लीट हो गया है और वो आर्टिकल्स कर रहे होंगे, आर्टिकल्स में डिफरेंट ऑडिट्स कर रहे होंगे, लिस्टेड कंपनी से उनका बहुत सुपर जो है वो इंटरेक्शन हो चुका होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका शायद ना हुआ हो, अनफॉर्चुनेटली किसी ऐसी फर्म में वो ना गए हो या किसी भी वजह से ना हुआ हो, अभी अभी ज्वाइन किया हो, कोई भी वजह हो, तो लिस्टेड कंपनी से जिनकी इंटरेक्शन रही है उनमें कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, इसके ऊपर सेपरेट एक रिपोर्ट आती है, ऑडिटर की रिव्यू रिपोर्ट होती है, तो ये हमारे सिलेबस का ही पार्ट है। अब पहला जो टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं वो यही सेलेक्ट कर रहे हैं लिस्टेड कंपनीज के लिए जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशंस है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो पाकिस्तान में भी ये बहुत पुराना है और तकरीबन उतना ही पुराना है जितना कि हमें इंटरनेशनली मिलता है, थोड़ा सा उससे न्यू होगा लेकिन इसमें स्लोली ग्रेजुअली बहुत सारे चेंजेस आती रही हैं, और जो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस थे वो 2017 में आई थिंक, 2017 के बाद जो 2019 का आया इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन स्टिल जो है वो चेंज है, एक अप्रोच है जो कि न्यू इंट्रोड्यूस की गई है 2019 में। सही है, ये अप्रोच बेसिकली कहलाती है कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच। या तो आप कंप्लाई करो कि भाई जो काम बोला गया वो काम कर लिया, या आप उसे एक्सप्लेन कर दो कि वो काम क्यों नहीं किया, सही है, क्यों नहीं हो सकता या क्या वजह थी वो काम ना करने की। सही, तो जो चीज़ कंप्लाई कर ली वो तो कंप्लाई कर ली, जो नहीं की कंप्लाई उसको एक्सप्लेन कर दें कि वो क्यों कंप्लाई नहीं हुई है। लेकिन इसके साथ साथ इस रेगुलेशन में आपके कुछ मैंडेटरी आइटम्स भी दिए हैं और उन मैंडेटरी आइटम्स के लिए ये एक्सप्लेनेशन वाली अप्रोच नहीं आती, ये कंप्लाई एंड एक्सप्लेन अप्रोच जो है वो याद रखिएगा, एक पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल आए थे 2013 में, अभी तक एप्लीकेबल है वो कुछ ना कुछ अमेंडमेंट के बाद, तो उन रूल्स ने सबसे पहले ये अप्रोच इंट्रोड्यूस की थी कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच। या तो आप कंप्लाई करें और अगर आपने कंप्लाइंस नहीं की है तो उसे एक्सप्लेन करें कि वह कंप्लाइंस क्यों नहीं की है। यह अप्रोच 2013 में पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए जो रूल्स आए थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उसमें आई थी। अब हम एक छोटी सी हिस्ट्री लेते हैं, उस हिस्ट्री के बाद जो है वो कुछ पूरा समझेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली इंट्रोड्यूस क्यों किया गया और फिर उसकी लाइट में हम इनकी रेगुलेशंस पढ़ते हुए जाएंगे। रेगुलेशंस पढ़ने का जो पोर्शन है वो अच्छा खासा पढ़ा होगा, सही है, क्योंकि मेन कंटेंट ही वो है, लेकिन उस मेन कंटेंट को समझने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर हमने अंडरस्टैंड किया हो कि
कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीड क्या थी और बेसिकली ये किस तरीके से एड्रेस किया जा रहा है। अभी जो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस देख रहे हैं बहुत एडवांस्ड है, लिस्टेड कंपनीज के लिए इतना ज़्यादा था नहीं इनिशियली। तो सबसे पहले इतना बता दें कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो है ये बेसिकली चार रेगुलेशन से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, एक अप्लाई होती है लिस्टेड कंपनीज पे। सही है, लिस्टेड कौन सी कंपनीज हो सकती हैं? सिर्फ वो हो सकती हैं जो पब्लिक हो, प्राइवेट तो लिस्टेड नहीं हो सकती, ये सबको पता है, कैफ क्वालिफाई करने वालों को पता है। सही है, और मैं डाउट है मुझे कि कोई पर्सन ये भूल चुका हो, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी भूला होगा। लिस्टेड कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशन है, ये वाली हम पढ़ रहे होंगे अभी। सही है, फिर उसके बाद पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए है, रूल्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। सही है, ये भी हमारे कोर्स में शामिल है लेकिन अभी हम इसे नहीं देख रहे होंगे। अप्रोक्सीमेट तकरीबन दोनों जो है वो सेम हो चुके हैं, कुछ जो डिफरेंसेस है वो बता दूंगा मैं। सही है, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, अगर आपने लिस्टेड कंपनी से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशंस पढ़ ली तो पब्लिक सेक्टर का अंडरस्टैंड करने में आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस अब बचा नहीं है दोनों में। तीसरा एक आया था इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, सेपरेटली कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रूल रेगुलेशन से इंश्योरेंस कंपनीज की, ये मौजूद है। फोर्थ, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, नॉन लिस्टेड कंपनीज के लिए, नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। सही है, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो बताए गए हैं जो फॉलो करने हैं। अभी इसकी कंप्लायंस मैंडेटरी नहीं की गई है, अभी इसकी कंप्लायंस मैंडेटरी नहीं है, इसलिए आपको कहीं नज़र नहीं आती। सही, हमें ले दे के यही तीन नाम नज़र आते हैं, यही तीन नाम हमें ले दे के नज़र आ रहे होते हैं, लिस्टेड कंपनीज के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए, इंश्योरेंस के लिए, जिनमें से ये जो हमारे कोर्स में शामिल है ये कोर्स में शामिल नहीं है। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस ज़रूर है हमारे कोर्स में शामिल, रूल्स भी हैं, लेकिन इनकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशन है ये शामिल नहीं है हमारे कोर्स में। ये तो कौन कौन से आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स हैं ये हो गया। जो रूल है हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, पूरा नाम इसका है लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस 2019। राइटिंग पे नहीं जाएगा, वैसे ही मेरी राइटिंग कोई ख़ास अच्छी नहीं है, दूसरा लिखने में भी थोड़ा, जब आप इस बोर्ड पे लिख रहे होते हो तो वो लिखने में भी थोड़ा अनकंफर्टेबल सी चीज़ है, लेकिन खैर समझ में आ रहा है। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, इस कोड की ज़रूरत क्या थी? अगर हमारे पास लॉज ऑलरेडी मौजूद हैं तो ज़रूरत क्या है? अब कुछ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इसकी। हमें क्या पता है भाई कंपनीज कितने टाइप की होती हैं? ब्रॉडली दो टाइप की आ रही हैं, एक प्राइवेट और दूसरी पब्लिक। सही है, पब्लिक में दो तरह की होती हैं, एक होती है लिस्टेड और एक होती है अनलिस्टेड। सही है, इन दोनों में पब्लिक सेक्टर हो सकती है, लिस्टेड में भी पब्लिक सेक्टर एक अलग होगी और नॉन पब्लिक सेक्टर जो है या सिंपल जो है वो अलग होगी। इसमें भी पब्लिक सेक्टर हो सकती है और इसमें भी नॉन पब्लिक हो सकती है। पब्लिक सेक्टर और पब्लिक इंटरेस्ट, ये डिफरेंस है दोनों में। सही है, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज कौन सी हैं? पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज वो हैं जिनमें किसी भी तरीके से पब्लिक का इंटरेस्ट हो, आम पब्लिक का इंटरेस्ट है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सी कंपनीज है, जो डेफिनेशंस की आई है उस डेफिनेशन में लिस्टेड कंपनीज इसका पार्ट है,
अंडर सेक्शन 42 में कोई लार्ज कंपनीज अगर है तो वो इसका पार्ट है, लार्ज साइज एंटिटीज पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज का पार्ट हो जाती है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज का पार्ट है। तो अभी जो हम ये पॉइंट लेकर आए थे पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज वाला, वो पब्लिक सेक्टर पे आया था। तो इतनी आप अंडरस्टैंडिंग सिंपल रख रहे हैं कि हर पब्लिक सेक्टर कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, लेकिन हर पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है। सही है, लिस्टेड कंपनी भी जो पब्लिक सेक्टर नहीं है वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है। तो है अभी हम हैं लिस्टेड कंपनी पे, जब हम कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिस्टेड कंपनी का पढ़ रहे हैं तो हम इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। सही है, हम सिर्फ देखेंगे ये जो हमने बना लिया है लिस्टेड कंपनीज का, बस इसे। सही, और इसके दोनों को देख रहे होंगे। अब लिस्टेड कंपनी में जो है इसमें पब्लिक का पैसा होता है। सही है, हो सकता है मेजोरिटी पब्लिक का ना हो, 70% कुछ एक फैमिली का हो, कुछ डायरेक्टर्स का हो, रिमेनिंग पब्लिक का हो, लेकिन पब्लिक के पैसा अच्छा खासा होता है और पब्लिक एट लार्ज होती है इसमें। अगर PSX पर आप रजिस्टर भी होने जाते हो ना, पब्लिक को रजिस्टर करवाने के लिए जाते हो, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई मिनिमम आपके 500 मेंबर तो होने चाहिए। अगर 500 मेंबर आपके नहीं है तो आपको इनिशियली तो वो आपको लिस्ट होने की परमिशन नहीं देते हैं। सही, हाँ कोई ऑलरेडी लिस्टेड है डिफॉल्टर काउंटर पे थी, अब उसे रिवाइव किया गया है, रिवाइव हो जाने के बाद उसके इतने मेंबर नहीं हो रहे हैं। सही, तो फिर भी परमिशन मिल जाती है, लेकिन 500 से कम को वो अलाउ नहीं करते। अच्छा, लिस्टेड कंपनी में दोनों टाइप की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी भी है और सिंपल कंपनी भी है। सही है ना, तो जो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशन है वो लिस्टेड कंपनी जो कि सिंपल है, जो पब्लिक सेक्टर से नहीं है, उन पे तो 100% अप्लाई हो रही है। सही, लेकिन वो जो कि लिस्टेड कंपनी भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर मतलब 51% या मोर देन 50% शेयर होल्डिंग पब्लिक सेक्टर इस कंपनी में गवर्नमेंट की और उसके इंस्टीट्यूशंस की है। सही, तो वो पब्लिक सेक्टर है। तो कोई ऐसी कंपनी अगर लिस्ट हो जाए तो वो लिस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाएगी, और ऐसी कंपनी के लिए कंप्लायंस इस रेगुलेशन की भी और पब्लिक सेक्टर रूल्स की भी, इन दोनों की कंप्लायंस मैंडेटरी है। सही है, इसका मतलब यह है कि जब हम अभी ये जो रेगुलेशन पढ़ने जा रहे हैं ये प्योरली तो इसके लिए है। सही है, ऐसी लिस्टेड कंपनीज जो नॉन पब्लिक सेक्टर है, लेकिन साथ साथ पार्शियल कंप्लायंस इसकी पता चल रही होगी हमें। सही है, तो ये एक छोटी सी बात बता दी, अब मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। हाँ, लिस्टेड कंपनी में होता है पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व, ऐसा ही है, अभी बात हमने की थी लिस्टेड कंपनी में पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है। ये जो पैसा इन्वॉल्व है ये कितने लोग देख रहे हैं, ये 7 डायरेक्टर्स हैं या इससे ज्यादा वो देख रहे हैं। सही है, इन डायरेक्टर्स का अपना इंटरेस्ट हो सकता है। अच्छा, पहले तो सवाल ये है कि भाई लिस्टेड कंपनी के लिए 7 डायरेक्टर्स क्यों डाले, दो वजह। पहली वजह ये कि जो अंडरस्टैंड होती है, जो हिस्ट्री के हिसाब से हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो ये है कि पहली वजह ये कि भाई लिस्टेड कंपनी है, इसमें कंप्लायंसेस या आप कह सकते हैं कि जब रिस्क ज़्यादा है तो उसको मैनेज करने के लिए लोग भी ज़्यादा होने चाहिए, स्किल्स ज़्यादा होनी चाहिए, जितने लोग होंगे जितनी स्किल्स होगी उतने बेहतर मैनेज होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई एक फ्रॉड करना भी चाहेगा तो दूसरे मौजूद हैं, सबको मिलकर के फ्रॉड करना होगा। सही, तो नंबर्स जितने ज़्यादा हों उतने ज़्यादा मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। सही है, लेकिन प्रैक्टिकली हुआ क्या, प्रैक्टिकली ये हुआ कि ये जो पब्लिक थी इसके जो पैसे थे, सही है, वो इनके पास आए, इन्होंने अपने कुछ परसेंटेज डाली, सपोज कर लेते हैं 50% इनके 50% पब्लिक के। सही, अब ये जो डायरेक्टर हैं ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, मैनेज करने वाले के हैं,
ये 50% किस तरीके से अपने वाले इन्होंने इनकॉर्पोरेट किए हैं कंपनी में, हमें नहीं मालूम। सही, ये हमें नहीं मालूम मतलब इस पब्लिक को नहीं मालूम, पब्लिक से 50% ले लिए, इन पैसों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। सही, पूरे साल पूरे ईयर जो एक्टिविटीज़ हैं डायरेक्टर्स की, जो चीज़ें वो कर रहे हैं, पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ हो जा रही है, लेकिन पब्लिक कुछ कर नहीं सकती, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है पब्लिक का इसके ऊपर। सही है, जनरल मीटिंग के थ्रू कुछ डिसीजन में पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन ऐसे कुछ कर नहीं सकते। सही, ऐसे ही है। अब इससे होता क्या है, पब्लिक को रिपोर्टिंग का, पब्लिक को कॉरपोरेट एनवायरनमेंट का, पब्लिक को लॉज एंड रेगुलेशन का नॉलेज इतना खास नहीं होता, पब्लिक एट लार्ज को नहीं होता, उसमें से कुछ लोगों को होता है। सही है, जिन कुछ लोगों को है वो भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, या वो देख करके समझ करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। दूसरा ये कि जो कंपनी की हालत है, जो कंपनी लेकर चल रही है चीज़, वो कंपनी की मैनेजमेंट ही बेहतर जानती है, इसके अलावा कोई नहीं जानता। सही, वो कुछ भी कह सकते हैं, कर कुछ और रहे हो, रिपोर्ट कुछ और करते हैं। सही, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, और ख़ास उस वक्त हो सकती हैं जब ऑडिटर डायरेक्टर से मिल जाए, जो एक्सटर्नल ऑडिटर है अगर वो किसी तरीके से डायरेक्टर से मिल जाए तो ये चीज़ हो सकती है। और आप ये सपोज करना गलत बात है कि ऑडिटर मिला हुआ होगा। सही है, उसके अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली ना मिला हुआ, लेकिन ऐसे इंस्टांसेस हुए हैं कि ऑडिटर से या तो निग्लिजेंस हो गई, या ऑडिटर ने कोई फ्रॉड कर दिया डायरेक्टर के साथ मिल करके। ऐसे इंस्टेंसेस हमें 2000 के शुरुआत में नज़र आए थे। सही, 1980s, 1990s एंड 2000 में इस तरह की चीज़ें नज़र आईं, और बहुत बड़ी बड़ी नज़र आईं। जब इतनी बड़ी चीज़ें नज़र आईं, बड़े बड़े फ्रॉड्स नज़र आए, तो ये रिक्वायरमेंट बढ़ गई कि किसी तरीके से ये जो डायरेक्टर्स हैं, सही, ये जो डायरेक्टर्स हैं और ऑडिटर्स हैं, इनको किसी तरीके से जो है वो अकाउंट फॉर किया जाए, ऐसे कि ये खुले होकर के कुछ ना कर सकें। ये दोनों अगर आपस में कभी भी मिल गए ना, तो बड़े से बड़ा फ्रॉड हो सकता था। सही है, अभी भी हो सकता है, लेकिन फ्रॉड बहुत आसानी से हो सकता था। इन दोनों को रेगुलेट करना है बेसिकली, पर्पस क्या है, ऑडिटर को और डायरेक्टर को, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के ऑडिटर्स हैं, उनको किसी तरीके से मैनेज करके लेके चलना है कि दोनों मिल करके कोई फ्रॉड ना करते। सही, दूसरी, मैनेजमेंट के डायरेक्टर्स के अंडर में कुछ एक मैनेजमेंट होती है। सही है, सीनियर मैनेजमेंट कहलाती है, ये जो सीनियर मैनेजमेंट है ये भी फ्रॉड कर सकती है। सही, इसके बाद कुछ और मैनेजर्स भी होते हैं। सही, फिर कुछ सुपरवाइजर्स भी होते हैं, फिर उसके बाद कुछ अदर स्टाफ भी होता है। इन सब में चांसेस हैं कि फ्रॉड ये लोग भी कर रहे हो, लेकिन इनका जो फ्रॉड होता है ना, वो फ्रॉड बहुत बड़ा नहीं होगा जब तक कि ये खुद शामिल ना हो। सही, अगर ये अपना बिजनेस सही चला रहे हैं, इनके पास अकल है, सही, और स्किल्स हैं, नॉलेज है, तो ये इन्हें रेगुलेट कर लेंगे, इनके फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं, या इन्होंने अगर फ्रॉड किया हुआ भी है ना, तो ये पकड़े जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, या तो इनका इंटरनल कंट्रोल पकड़ लेता है, या ये ऑडिटर कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो इनके फ्रॉड डिटेक्ट करना, हम ऑडिट में ही पढ़ चुके हैं कि जो मैनेजमेंट है, सही, उनके फ्रॉड डिटेक्ट करना निस्बतन आसान होता है, हायर मैनेजमेंट नहीं, वो लोग जो कि स्टाफ में आ रहे होते हैं उनके फ्रॉड पकड़ना आसान होता है। जो मैनेजमेंट है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हायर मैनेजमेंट शामिल हो गई है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस शामिल हो गए, तो ऐसे फ्रॉड को डिटेक्ट करना मुश्किल काम होता है। सही, तो यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है, इनको भी रेगुलेट ज़रूर कर रही है, इनमें भी जो ये वाले हैं सीनियर मैनेजमेंट है, इसको रेगुलेट ज़रूर कर रहे हैं, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनको ज़रूर एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन मेन जो एड्रेस है वो इसका डायरेक्टर है और ऑडिटर है। सही, जहाँ तक चीज़ क्लियर है, ये चीज़ पूरे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ते हुए हम अपने जहनों में रखेंगे कि डायरेक्टर और ऑडिटर, इन दो को फोकस करना है, इन दो की चीज़ें आपस में मिलने नहीं देनी है, पूरा जो कोड बना है वो इसके हिसाब से बना है कि दोनों मिल करके कोई फ्रॉड ना कर दें।
सही, हर तरह के चेक्स लगाएं कि वो इनसे फिल्टर हो करके कोई फ्रॉड बाहर ना निकल सके, तो वो चेक्स कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू लगाए जा रहे हैं। सही, अब मेरे ख्याल में आपको इस इमेज की ज़रूरत नहीं है जो यहाँ पे बनी हुई है। अच्छा, अब पूरा जो कोड है वो बना है कि ऑडिटर को डायरेक्टर को एक लिमिट में रखा जाए। सही है ना? अब वो लिमिट कैसे बनाई गई है, अब क्या किया गया है? सही, अब किया ये गया है, एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सही, इसी बोर्ड का पार्ट होता है सीईओ। सही, इस बोर्ड में इन्होंने तीन तरह के डायरेक्टर्स कर दिए। नंबर 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, सीईओ एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकता है, अगर डायरेक्टर है नहीं, अगर अपॉइंटेड है तब भी ये एग्जीक्यूटिव ही होगा। एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है हम आगे जाके देख लेते हैं। एक आपका नॉन एग्जीक्यूटिव आ गए और तीसरा आ गया आपके इंडिपेंडेंट। सही। अच्छा, अब ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ये वो डायरेक्टर हैं जो कि नॉर्मल बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं कंपनी के। सही है, इनके डिसीजंस चल रहे होते हैं, इनके सिग्नेचर्स काम कर रहे होते हैं, ये मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ें। सही, नॉन एग्जीक्यूटिव कौन है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। सही, लेकिन इन्हें कोई ना कोई बेनिफिट्स कंपनी से मिल रहे हैं किसी भी तरीके के। सही है, मीटिंग अटेंड करने के चार्जेस मिल रहे हों या कोई ऑफिस रिप्लेस करने कोई रेम्यूनरेशन मिल रही हो, कोई छोटी मोटी ये सिंपल डायरेक्टर का ऑफिस होल्ड करने की रेम्यूनरेशन हो, इस तरह की चीज़, या शेयर होल्डिंग इनकी ज़्यादा है। सही है, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। सही है, दूसरे आते हैं इंडिपेंडेंट, तीसरे। अच्छा, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो क्लियर है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो हम क्लियर कर लेंगे, इसके अलावा जितने डायरेक्टर हैं वो सारे नॉन एग्जीक्यूटिव हैं। सही, इतना कर लेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं ये हम आगे जाके रेगुलेशन में देखेंगे। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 166 है मेरे ख्याल से जो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है। सही, ये हम आगे जाके देख लेंगे क्योंकि रेगुलेशन के सेक्शन जो है वो साथ साथ मैंशन किए हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन सेंस सिंपल वो पर्सन होता है जिसका किसी तरह का कोई इंटरेस्ट कंपनी में नहीं है। सही, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मौजूद है टू एक्ट एज डायरेक्टर टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, नॉर्मल जनरल पब्लिक। इसके सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग दिया हुआ है, इसकी कोई रिलेशन पेक्यूनियरी रिलेशन मतलब मॉनिटरी रिलेशन कोई कंपनी से नहीं होना चाहिए। कंपनी में सिर्फ इसका वही उतना ही इंटरेस्ट होना चाहिए जितना कि एक डायरेक्टर का होना चाहिए, मैंडेटरी है डायरेक्टर होने के लिए होना, मतलब इसके पास क्वालिफाइंग शेयर्स होने चाहिए। अब क्वालिफाइंग शेयर्स में भी खैर ये मैटर मैं बाद में जाकर डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि क्वालिफाइंग शेयर से भी ज़्यादा अगर रख रहे हो तो इंडिपेंडेंस आपकी इंपेयर नहीं होती। सही है, ये मैटर बाद में देख रहे होंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का देखिए, ये तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखे। अब इन तीन डायरेक्टर्स की कंबिनेशन बेसिकली इनकी, ये आपके जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, इनकी कंबिनेशन से दो कमेटीज बनाई। एक ऑडिट कमेटी बना दी, सही है, और एक इन्होंने बोल दिया
एचआर एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, सही, ये दो कमेटीज बनाते हैं। अब जो ऑडिट कमेटी है ये कौन है, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ही मेंबर है, नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में से। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अभी तक कोई रोल नहीं है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये चीफ एग्जीक्यूटिव ये क्या कर रहे हैं, ये सिंपल कंपनी को चला रहे हैं, अपने डिसीजंस लेकर के चल रहे हैं। ये दो क्या कर रहे हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये बैठे हैं इन कमेटीज में, सही है। और ये कमेटीज इनकी सबॉर्डिनेशन में नहीं है, ये कमेटीज डायरेक्ट बोर्ड की कमेटी है, इनके पास अख्तियार सारे के सारे हुए हैं जो कि बोर्ड के पास है, सही है। तो नाउ अब ये जो डायरेक्टर थे ये डिवाइड हो गए, सही है, ये डायरेक्टर्स डिवाइड हो गए हैं, इन्हें अपना काम करना है, इन्हें अपना काम करना है। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिनका इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में, वो अगर कोई काम कर रहे हैं, एक्टिवली किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो उस चीज़ को ब्रीच नहीं करेंगे, वो किसी फ्रॉड का पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये जो कमेटी है इसके साथ इन्होंने दो हेड्स लगा दिए, एक इंटरनल ऑडिट का हेड, सही, और इसके अंडर में जो है वो इसराफ आ जाएगा जो इसका स्टाफ है, दूसरा एक्सटर्नल ऑडिट। इन दोनों को देखना जो है वो इसका काम है, सही है, डायरेक्ट जो देख रहा होगा वो ये देख रहा होगा। अब इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ये हम आगे रेगुलेशन में देख रहे होंगे, लेकिन इनके थ्रू कंट्रोल इस्टेब्लिश हो रहे हैं। पहले क्या था, सिर्फ ये पोर्शन एग्जिस्ट कर रहा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बगैर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया, उसने क्या किया, उसने ये पूरी एक हायरार्की बना दी, ये प्रोवाइड कर दिया मैनेज करने के लिए कि कोई फ्रॉड ना हो, सही है। ये पूरी हायरार्की कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने इंट्रोड्यूस की है कि आप किसी तरीके से फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकें। आप कैसे प्रिवेंट करेंगे, किस तरीके से इन्हें लेकर के चला जाएगा एक्सटर्नल ऑडिटर को, इंटरनल ऑडिटर को, ऑडिट कमेटी कैसे करेगी, एचआर कमेटी कैसे अपना रोल प्ले करेगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे अब एक फीमेल डायरेक्टर की जो है वो कंडीशन मैंडेटरी कर दी गई है, ये किस तरीके से कंट्रोल को जो है या फ्रॉड को जो है वो रोक सकती है, सही है, इसकी इन्वॉल्वमेंट कैसे रोक सकती है, ये सारी चीज़ें हम रेगुलेशन में देख रहे होंगे। हमें इतना क्लियर हो गया कि बोर्ड है, बोर्ड की कुछ कमिटीज़ हैं जिनके पास सारे वो राइट हैं जो कि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के लिए चाहिए। ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन कमिटीज़ को वो सारे राइट दे जो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए उन्हें नीड होगी, सही है। वो कमेटी हो गई, कमेटी के अंडर में दो पर्सन हो गए और ये क्वालिफाइड पर्सन हैं, और इसके बाद इनको रेगुलेट किया जाता है डिफरेंट एथिक्स के थ्रू, सही है। फिर उसके ये जितनी भी पूरी आरआर की दी गई, ये आरआर की जो है वो ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं है, ये आरआर की है बेसिकली कंट्रोल इंप्लीमेंट करने के लिए, सही है। तो ये चीज़ जहन में रखें, फीमेल डायरेक्टर की पार्टिसिपेशन एक चीज़ फैक्ट है, आप कोई मानना चाहे ना मानना चाहे, फैक्ट ये कि जहाँ दो जेंडर आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत एथिक्स दोनों दिखाते हैं एक दूसरे को, सही है। ह्यूमन नेचर बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, इतने ओपन एक दूसरे के साथ नहीं होते। अगर और फीमेल्स जो है वो इनिशियली इतना पीरियड उन्हें नहीं हुआ है कि वो इस कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में आई हुई और थोड़ी ज़्यादा करप्ट हो गई है, तो यूजुअली फीमेल्स को कंसिडर ये किया जाता है कि करप्शन उनमें कम होगी, सही है, उनके एथिक्स के स्टैंडर्ड जो है वो थोड़े हाई होंगे, सही है। किसी दूसरे टाइप के आप बोल सकते हैं कि भाई शायद, वैसे मैं एग्री नहीं करता इस बात के, लेकिन शायद आप दूसरे जो इन टर्म्स ऑफ पर्सनल रिलेशंस के ऊपर अगर आप बोलना चाहें कि शायद उस कैटेगरी में फीमेल्स थोड़ी सी कल्प्रिट होंगी, लेकिन उसमें मेल्स भी हैं, दोनों के पास बराबर टाइम था उस
फील्ड में कल्प्रेट होने का, तो दोनों तकरीबन बराबर ही कल्प्रेट हैं। सही, कॉर्पोरेट सेक्टर में या बिजनेस एनवायरनमेंट में फीमेल्स को अभी इतना टाइम नहीं हुआ, तो वो इतना कल्प्रेट अभी हो नहीं पाई। सही, मेल ज़्यादा कल्प्रेट हैं अभी, तो आपस में जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो एथिक्स शो करते हैं ओपनली। एक फीमेल पर्सन अगर बोर्ड में बैठी हुई है तो जो पूरा बोर्ड है वो ओपनली सपोज ये किया जाता है कि फ्रॉड नहीं करना चाहेगा, लेकिन सोल पर्पस फीमेल की पार्टिसिपेशन का बोर्ड में ये नहीं है कि वो फ्रॉड को रोका जाए। सोल पर्पस यानी जो बेसिक पर्पस है, एक तो फ्रॉड भी है, दूसरा ये भी है कि इक्वेलिटी शो की जाए। मिनिमम एक फीमेल को मैंडेटरी किया गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी हैं वो सारी फीमेल हैं, मेल एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी रेगुलेशन में ये मैंडेटरी नहीं किया गया कि एक मेल पर्सन, मिनिमम एक मेल पर्सन बोर्ड में मौजूद होगा, ये नहीं किया गया। मैंडेटरी फीमेल की पार्टिसिपेशन है, मैंडेटरी मेल की पार्टिसिपेशन नहीं है। सही, तो ऐसा बोर्ड ज़रूर बन सकता है जिसमें सिंपल फीमेल्स हो। ऐसा बोर्ड नहीं बन सकता या ऐसा बोर्ड अलाउ नहीं है जिसमें सिंपल मेल्स हो। सही, तो अभी के लिए ये प्रिविलेज अच्छी है क्योंकि फीमेल्स को इक्वल पोजीशन पे लाने के लिए प्रिविलेजेस की ज़रूरत है। अभी अगर उन्हें कोई प्रिविलेजेस मिल रही है तो ये अच्छी बात है, आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे तरीके से इक्वल की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं रेगुलेशंस की तरफ। ये हमने एक पहले हमने देख लिया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कितने रेगुलेशंस मौजूद हैं हमारे पास, हमने देख लिया कि इसकी नीड क्यों पड़ी है हमें, हमने ये देख लिया कि हम बेसिक हायरार्की क्या रख रहे होंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए या कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सही है, ये जो पूरी हायरार्की, ये पूरी जो बॉक्स बड़ा वाला बना हुआ है, ये पूरा बॉक्स आपका सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड की प्रिवेंशन के लिए कि ऑडिटर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिल के कोई फ्रॉड ना कर दें। ये देख रहे हैं आप, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था पहले, यहाँ पे साथ साथ ऑडिटर यहाँ पे आप बना सकते थे, अब देखें ये ऑडिटर कहाँ गए हैं। सही है, इनके नीचे एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव है, इंडिपेंडेंट है, फिर ऑडिट कमेटी है, उसके बाद ये आ रहे हैं। सही है, सिंपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इनका कनेक्शन नहीं। खैर, हम आगे चलते हैं, रेगुलेशंस को पढ़ते हुए जाते हैं। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें हमारे लिए और आसान होती जाएंगी, समझ आता जाएगा। अच्छा, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये पोर्शन आप हर लॉ में देखेंगे, हर एक्ट में, हर रेगुलेशन में देखेंगे। इसमें किया क्या जाता है, ये जो पहला वाला पैराग्राफ है इसमें आपको अंडरस्टैंड कराया जाता है कि भाई ये रेगुलेशन इम्प्लीमेंट की जा रही है। सही है, इसमें तीन चीज़ें हैं जो कि आपको बताई जा रही होती हैं। पहली चीज़, ये जो रेगुलेशन है, पहली चीज़ आपको ये बताई जा रही होती है कि ये जो रेगुलेशन है ये बेसिकली किस सेक्शन को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए आ रही है। सही है, ये सेक्शन बता रहे हैं, सेक्शन 156। सेक्शन 156 में क्या बोला हुआ है, सेक्शन 156 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, इसमें सिंपल ये बोला हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। सही है, सेक्शन 156 में ये बोला हुआ है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड रेगुलेशन जो है वो SEC लेकर के आ सकती है। सही है, ये उसे परमिशन दी हुई है, उसको अलाउ किया हुआ है। सही, इसके बाद 512 में SEC को ऑथराइज किया हुआ है कि
वो किसी चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए कोई रेगुलेशन ला सकती है। सही, यहाँ पे स्पेसिफिकली कोर्ट की बात कर रहे हैं। सही, यहाँ पे जनरल बात की जा रही है, कोई भी रेगुलेशन लेके आई जा सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड कि उसमें दो चीज़ें हों। पहला कि उस रेगुलेशन का या उस जो भी एक्ट या कोई भी चीज़ लेकर के आने जा रहे हैं उसका पहले एक ड्राफ्ट इशू हुआ हो। सही है, जिस पे पब्लिक के कमेंट्स दिए गए और उसके हिसाब से उसे अमेंड किया गया, यानी एक एपिसोड पूरी हो गई, ये वाली एपिसोड जो है ये बता दी गई। सही, ये पूरी हो गया जो कि सब सेक्शन 1 और 512 में शामिल है। सही, दूसरी चीज़ ये बोलते हैं कि जो रेगुलेशन आ रही है उसमें एसएससीपी को ये अख्तियार है कि वो उस रेगुलेशन को मैंडेटरी कर दे कि अगर कोई ये रेगुलेशन फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक पेनल्टी है। सही है, वो पेनल्टी जो है वो इम्पोज कर दी जाए उस रेगुलेशन की नॉन कम्प्लायंस में। तो वो इम्पोज करनी है या नहीं करनी ये एसईसीपी डिसाइड करेगा, और एसईसीपी उस रेगुलेशन में डिसाइड कर रहा होगा। तो एसईसीपी ने इससे रिलेटेड भी रेगुलेशन में, जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशन है, इसमें ये चीज़ डिसाइड की है, और उसने ये डिसाइड किया है कि जितने भी मैंडेटरी आइटम्स हैं सही उनकी नॉन कम्प्लायंस पे वो पेनल्टी लग रही होगी। पेनल्टी क्या थी? पेनल्टी हमने जो अभी कैफ में लोगों ने पढ़ा होगा वो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की एक्सप्लेन की हुई है। सही, ये वाली पेनल्टी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे स्पेसिफिक अलग पेनल्टी है। यहाँ पे स्पेसिफिक क्या पेनल्टी है? यहाँ पे पेनल्टी है आपके, अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हैं तो 5 मिलियन। सही है, प्लस 5 मिलियन की स्ट्रेट पेनल्टी आ गई, प्लस 100,000 पर डे। अगर कोई मैंडेटरी कंप्लायंस थी वो पूरी करनी चाहिए थी, कोर्ट ने मेंशन किया था, और आप उसकी नॉन कंप्लायंस करते हैं तो ये पेनल्टी इम्पोज होगी। सही है, जहाँ तक चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर हैं। अब ये SRO आया था, SRO के थ्रू ही जो है वो सारी की सारी, SRO के थ्रू ये नोटिफिकेशंस आती हैं अप्लाई करने की रेगुलेशंस को, एक्ट को, अगर किसी को रिपील किया जाता है या कोई एक्ट लेकर के आया जाता है, सिंपल वो SRO के थ्रू ही आ रहा होता है। अच्छा, दूसरा जो है, पहले हमने ये वाला पैराग्राफ अंडरस्टैंड कर लिया कि इस पैराग्राफ में क्या चीज़ें हैं। सही, दूसरा जो शॉर्ट टाइटल है ये सिंपल नाम बता रहा होता है रेगुलेशन का या एक्ट का या किसी भी चीज़ का, जो भी डॉक्यूमेंट आया तो इसका नाम बता दिया, लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2019। सही, ये नाम बता दिया। अब ये इसका नाम है और इसी नाम से जाना जाएगा, और इसके अलावा किसी दूसरे नाम से नहीं जाना जाएगा। अगर कोई कोई शख्स या कोई भी दूसरा नाम लेता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, उसके साथ कोई मसला है, और उसका नाम बिगड़ने से इसका नाम नहीं बिगड़ेगा। सही, ये इसका फाइनल नाम है जब तक कि अमेंड नहीं कर दिया जाता। तो इन दो चीज़ों को तो समझ गए, अब आइंदा कभी भी कोई रेगुलेशन आपके सामने आए तो इस चीज़ को समझने में आपको आसानी होगी। 512 क्या बोलता है, क्या पावर्स है, 156 दूसरा जो सेक्शन कोई सा भी दिया हुआ है, ये सेक्शन हमेशा आपके पास सेम रहेगा, ये वाला सेक्शन चेंज होता रहेगा। सही है, ये चेंज होता रहेगा, ये हमेशा सेम रहेगा। अच्छा, कंपनीज एक्ट में जहाँ 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 ये मेंशन किया गया ना, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन, ये वर्ड कहीं भी आया, इसका यह मतलब है कि SECP जो है वो फर्दर कोई रेगुलेशन लेके आने वाला है, और नाउ आज तक मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में रेगुलेशंस आ चुकी हैं, ऑलरेडी आ चुकी हैं। सही है, तो अगर कहीं पे आप देखते हैं तो उसके मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि कहीं पे अगर एज मे बी स्पेसिफाइड लिखा हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं स्पेसिफाई ऑलरेडी कर दिया गया है। सही है,
अच्छा, अब हमने जब इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे रहे थे ऊपर, तो हमने एक बात की थी वही कंप्लाइंट एक्सप्लेन अप्रोच वाली। इस चीज़ को यूजुअली जब आप सेक्शन वन कहीं भी देते हैं तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे इसको बढ़ाया गया है और ये दो फर्दर पैराग्राफ डाले गए, सही है? ये पैराग्राफ भी यूजुअली मौजूद होता है, बता रहे होते हैं कि कब से इम्प्लीमेंट होगा, क्या नाम होगा। ये वाला पैराग्राफ यूजुअली मौजूद नहीं होता, ये स्पेशली इस रेगुलेशन के लिए आया हुआ है। इस रेगुलेशन में फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे जो है वो इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। द रेगुलेशन शैल अप्लाई टू द लिस्टेड कंपनीज बेस्ड ऑन कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच। ये हमने बता दिया आपको पहले कि या तो कंप्लाई करें या अगर कंप्लाइंस नहीं की है तो बता दें भाई क्यों नहीं की, सही है? एक्सेप्ट द रिक्वायरमेंट फॉर विच इट इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड एज मैंडेटरी, यानी जहाँ पे मैंडेटरी लिख दिया गया है वहाँ पे ये कंप्लाइंट एक्सप्लेन अप्रोच अप्लाई नहीं होती, सही है? एंड इट शेल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू यूज दिस अप्रोच वाइजली एंड ऑफ इन्वेस्टर्स टू असेस डिफरिंग कंपनी अप्रोच थॉटफुली। पहले तो बता दिया कंप्लाई एंड एक्सप्लेन अप्रोच को, सही है? इसके बाद मैंडेटरी वाला बता दिया। फर्दर ये बोल रहे हैं कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो उन्हें एक रिलैक्सेशन दी गई है कंप्लाई एंड एक्सप्लेन अप्रोच की, इसका मिस यूज ना किया जाए, इसको वाइजली इस्तेमाल किया जाए, सही है? कंप्लाई नहीं किया और कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ये चीज़ गलत हो जाएगी और इसके ऊपर फिर एक्शन लिया जा सकता है, सही? क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पहले ही बोल दिया गया है कि आप वाइजली अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, आप ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही? तो अगर कोई कंप्लाइंस नहीं होती और हमने टेढ़ा मेढ़ा कोई भी रिस्पॉन्स दे दिया और ये बोले कि भाई हमने तो अपना रिस्पॉन्स दे दिया और हमारे ऊपर ये मैंडेटरी नहीं था तो हम पे कोई पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है, सही? अगर वाइजली आपने इस रेगुलेशन का या इस रिलैक्सेशन का इस्तेमाल नहीं किया है तो वो चीज़ गलत है। इसका मतलब ये है कि आप एलिजिबल हो जाते हैं सेम उसी पेनल्टी के लिए जो कि मैंडेटरी वाली है। क्यों? क्योंकि आपने ये रेगुलेशन सही इस्तेमाल नहीं की, सही है? इस रेगुलेशन से कंप्लाई आपने नहीं किया, आपने कंप्लाई एंड एक्सप्लेन अप्रोच को सही तरीके से कंप्लाई नहीं किया, सही? देखें ये कमीशन के ऊपर है कि वो आगे फर्दर क्या डिसाइड करते हैं, वो यही पेनल्टी देते हैं कुछ और देते हैं। दूसरा, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर भी कि वो कंपनीज की जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं कंप्लाई करने की उसको थॉटफुली कंसिडर करके वो अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस ले, सही है? अपने ऊपर से सारी टोपी उठा करके डाल दी इन्वेस्टर्स के ऊपर कि भाई आप देखो आप रिस्पॉन्सिबल हो, हम जो अपना काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, हमने लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया, आप ज़रूर उनकी रिव्यू रिपोर्ट देखो, उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखो, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देखो और फिर उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करो, सही है? तो इन्वेस्ट करने के लिए भी पहले देख लिया करें कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की क्या बोल रही है, सिंपल फिगर्स नहीं उसकी जो रिपोर्ट्स हैं डिफरेंट वो भी देखी जाती हैं, सही? और वो बहुत मैटर करती हैं, बहुत 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 मैटर करती हैं, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट नहीं दूसरी रिपोर्ट्स भी, सही है? तो बेसिकली आपको इस तरफ गाइड किया जा रहा है कि जो उनकी कंप्लाइंस कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लाइंस की रिपोर्ट है प्लस उसके ऑडिटर की रिव्यू रिपोर्ट है उसको भी कंसिडर करें बिफोर इन्वेस्टिंग एनी मनी इन टू एनी लिस्टेड स्टॉक कंपनी। अच्छा, यहाँ पे फिर फर्दर डेफिनेशंस कुछ दी हुई हैं। डेफिनेशंस मेरा नहीं ख्याल कि कुछ पढ़ने का यहाँ पे फायदा है। कंप्लाइंट एक्सप्लेन अप्रोच आपको पहले अंडरस्टैंड करवा दिया है। दूसरा, मैंडेटरी क्या है? मैंडेटरी आपको पहले इंग्लिश का वर्ड है, आपको ऐसे ही है पता होगा, सही है? इतना देख लेंगे क्या इन रिलेशन टू दिस रेगुलेशन मीन सच प्रोविजन दैट आर कंस्ट्रूड टू बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइंट, जो समझे जाते हैं कि वो स्ट्रिक्टली कंप्लाई किए जाएंगे, जिन्हें बोला गया है कि आप इनसे स्ट्रिक्टली कंप्लाई करेंगे और वो
अगर नहीं करेंगे तो प्रोसीडिंग अंडर रेगुलेशन 37 ये इन्वोक हो सकती है। सही, 37 एकदम एंड में, जब 37 में पहुंचेंगे तब जा करके देखेंगे वो क्या चीज़ है। फिलहाल मैंने आपको पेनल्टी की जो है वो बता दी कि पेनल्टी कितनी अमाउंट की होगी, वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए कि अगर आप नहीं करते हैं तो 5 मिलियन प्लस 100,000 पर डे की पेनल्टी है। अच्छा, इसके अलावा कोई वर्ड जो भी वर्ड है वो कंपनीज एक्ट में एक्सप्लेन जैसे किए हुए हैं बस वही अप्लाई होता है। सही, और अगर वहाँ भी नहीं मिलता तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1997 को हम रेफ़र करेंगे। सही, हमें कोई इतना खास रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हम सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट डेवलप हुए, डॉक्यूमेंट ऐसे डेवलप हुए कि यहाँ पे देख रहे होंगे ये आपके पास रेगुलेशन है। सही है, इस रेगुलेशन में इस सेक्शन को रेफ़र किया गया, सेक्शन 155, और वो सेक्शन 155 हमने यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दिया। सही, तो जो भी सेक्शन है वो यहीं पर ही कंपनीज एक्ट का सेक्शन आ जा रहा है, ताकि हमें जा करके अलग से जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम हमें ये चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन ना करनी पड़े। जो चीज़ है, जो रिलेटेड चीज़ है, वो सारी एक डॉक्यूमेंट पे एक जगह होगी, एक ही फ्लो में पढ़ते हुए जाएंगे। जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो अगर हमने रेगुलेशन अच्छी खासी पढ़ ली होंगी तो आप देखिएगा कंपनीज एक्ट पढ़ते हुए हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम वो चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, सरसरी से देखते हुए चले जाएंगे। बस सेक्शन 155 अब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो जाकर के वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सही, जो भी एक्सप्लेनेशन है वो यहीं पर हो जानी है। सही, और बेसिकली जो एग्ज़ाम में आपके कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ जो रेगुलेशन में यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है सिर्फ उसको नहीं देखता वो बेसिकली अगर इस रेगुलेशन में इस सेक्शन को रेफर किया गया है तो वो इस सेक्शन से भी कोई क्वेश्चन उठा के दे देगा और ये समझेगा कि भाई ये जो वेटेज है इसकी वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कवर हुई है, इस मार्क की वेटेज। सही है, तो इससे रिलेटेड जितने सेक्शन है वो भी साथ साथ पढ़ते हुए जाए ताकि आपका पूरा कोड जो है वो कवर हो जाए। और हमेशा ये फेवरेट एरिया है, हमेशा आता है, हर अटेम्प्ट में आया है, एक अटेम्प्ट आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसमें कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आया हो। आईकैप का मोस्ट फेवरेट एरिया है। सही है, तो अगर आप ये कर लेते हैं तो इतना तो समझ लें कि आपने 7 to 8 मार्क्स मिनिमम साइड पे सिक्योर कर ली। सही है, तो आप पहली दूसरी क्लास में ये चीज़ सिक्योर कर पा रहे हैं। अच्छा, पहली जो रेगुलेशन है वो नंबर ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड है, ये मैंडेटरी रेगुलेशन है। सही है, इसकी नॉन कंप्लायंस नहीं चलेगी। सही, और ये रेगुलेशन क्या कह रही है, सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 155, सेक्शन 155 की जो रिक्वायरमेंट है उसको हटा करके। सही है, वो रिक्वायरमेंट अपनी जगह पे एप्लीकेबल है, वो हमें करनी ही करनी है, कंप्लाई करनी है। सही, ये चीज़ उसने पहले बता दी रेगुलेशन में। फर्दर ये बोल रहे हैं, इट इज़ मैंडेटरी दैट नो पर्सन शैल बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, ना इलेक्ट होगा ना नॉमिनेट होगा। इसका मतलब है नॉमिनी डायरेक्टर्स पे भी अप्लाई हो रही है, और होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर भी नहीं बन सकता। सही है, यानी किसी तरह का डायरेक्टर नहीं है वो, ना इलेक्टेड बन सकता है, ना नॉमिनेटेड बन सकता है, ना अल्टरनेट बन सकता है। सही, ऑफ मोर देन 7 लिस्टेड कंपनीज साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ 7 लिस्टेड कंपनी से ज़्यादा लिस्टेड कंपनी में कोई भी पर्सन डायरेक्टर नहीं हो सकता है, यानी 7 में हो सकता है, 7 से ज़्यादा में नहीं हो सकता। सही है, प्रोवाइडेड दैट द सेट लिमिट ऑन डायरेक्टरशिप शेल बी इफेक्टिव वेन द बोर्ड शेल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड नॉट लेटर देन एक्सपायरी ऑफ इट्स करंट ट्रम। अच्छा, ये चीज़ इतनी ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। सही है, ये चीज़ इतनी ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि 19 के आए हुए टाइम हो गया, 20 गुजर चुका है, 19 गुजर चुका है, 20 गुजर चुका है, 21 जो है वो चल रहा है। सही है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये टर्म एंड हो चुकी होगी, बहुत सारे होगी क्योंकि 3 साल की टर्म होती है। सही है, अच्छा अब 155 क्या कहता था, क्योंकि 155 की तो सारी रिक्वायरमेंट रेगुलेशन ने बोल दी वो तो कंप्लाई करनी ही करनी है। सही है, उसकी एडिशन में उसने ये चीज़ बोली है। सही, अच्छा 155 क्या कह रहे हैं, नो डायरेक्टर नो पर्सन शेल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट,
ये कंपनीज एक्ट का क्योंकि सेक्शन है तो ये एक्ट का वर्ड इस्तेमाल करें, कोई पर्सन इस एक्ट की कमेंसमेंट के बाद डायरेक्टर का ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर एट द सेम टाइम इन मोर देन सच नंबर ऑफ कंपनीज एज मे बी स्पेसिफाइड. ये एज मे बी स्पेसिफाइड, ये चीज़ मैंने पहले आपको बताई, जहाँ जहाँ पे एज मे बी स्पेसिफाइड लिखा है वो चीज़ आज तक स्पेसिफाई कर दी गई है मेजोरिटी केसेस में. वो चीज़ कहाँ स्पेसिफाई की गई, वो चीज़ रेगुलेशन में स्पेसिफाई की गई, क्या की गई, सेवन. सही है, सेवन लिस्टेड कंपनीज. सेवन लिस्टेड कंपनी से ज़्यादा में डायरेक्टर नहीं हो सकता कोई भी पर्सन. सही है, डायरेक्टर का ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता. प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट शैल नॉट इंक्लूड डायरेक्टरशिप इन अ लिस्टेड सब्सिडरी. अगर आप उस लिस्टेड कंपनी के सब्सिडरी में भी डायरेक्टर हैं तो ये काउंट नहीं होगा. सही है, लेकिन आप सिंपल सब्सिडरी में डायरेक्टर हैं, होल्डिंग में डायरेक्टरशिप आपकी नहीं है, तो ये काउंट होगा. सही है, ये इन सेवन नंबर्स में काउंट की जाएगी. आप होल्डिंग में भी डायरेक्टर हैं और सब्सिडरी में भी आ गए तो यहाँ पे ये वाली सब्सिडरी काउंट नहीं होगी. सही है, अ पर्सन होल्डिंग द पोजिशन ऑफ डायरेक्टर इन मोर देन सेवन कंपनीज ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ दिस सेक्शन विद इन 1 ईयर ऑफ सच कमेंसमेंट. अगर कोई इससे ज़्यादा में होल्ड करता है ऑफिस तो वो 1 साल के अंदर अंदर इस चीज़ को कंप्लाई करेगा. कंप्लाई करने का क्या मतलब है, वो अपने रिमेनिंग ऑफिस से रिजाइन करेगा. अच्छा, ये सेक्शन इतना रेलिवेंट है नहीं क्योंकि मेरे ख्याल में 2015-17 का जो कोड था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उसमें शायद 5 डायरेक्टर्स अलाउड थे, 5 कंपनीज थे शायद. अब अगर मैं सही हूँ तो शायद ऐसे ही है. सही है, तो बेसिकली अगर वो 7 से ज़्यादा कंपनीज में है तो वो रिजाइन कर देगा, और 1 साल के अंदर अंदर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग कंपनीज एक्ट 2017 उसे ये काम करना है. अब जब उसने 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे रिजाइन कर दिया, जब 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे रिजाइन उसने कर दिया, ये चीज़ मैंडेटरी जब कर दी गई, तो इसका मतलब है कि आपका ये वाला जो आ रहा है ये चीज़ कंप्लीटली इरेलीवेंट हो गई. क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टर तो खुद ही रिजाइन कर चुका है 1 साल के अंदर अंदर. अब रिकंस्टिट्यूट वाली चीज़ आज 2021 में अप्लाई नहीं होती. सही, 2019 में हो सकती थी, 2020 के कुछ पीरियड में हो सकती थी. क्यों? क्योंकि ये 1 साल नहीं गुजरा था. सही, ये 1 साल के अंदर अंदर जब डायरेक्टर ने कंप्लाई कर लिया, रिजाइन कर दिया, सिर्फ 7 कंपनीज में आ गए, तो इसका मतलब है अब ये इशू रेज ही नहीं होता. सही है, कि रिकंस्टिट्यूशन पे जो है वो SEC कंप्लाइंस होगी. ये कंप्लाइंस हो गई डायरेक्टर के रिजाइन पे. सही है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई ऐसा मसला नहीं है. अगर कभी कोई मसला हो, आपको इस तरह की वीडियोस के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना हो, आप कमेंट में वैसे पूछ सकते हैं, चाहे तो हमें डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा. अच्छा, कोई कैजुअल वैकेंसी हो तो वो जो फिल करने का तरीका है विद इन 14 डेज वो आपको फिल करनी है. ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये जाकर के जब कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे तो उस वहाँ पर ही देखेंगे. डाइवर्सिटी ऑफ बोर्ड, डाइवर्सिटी ऑफ बोर्ड अप्रोप्रिएट मिक्स होना चाहिए. सही है, जो बोर्ड है उसमें ऐसा ना हो कि सारे के सारे एक ही तरह के पर्सन भरती है. सबको मैनेजमेंट अच्छी आती है, सब अच्छे मैनेजर्स हैं. रिपोर्टिंग किसी को नहीं आती, ऑडिट का किसी को नहीं पता, लॉ किसी को नहीं आता. सही है, सब के सब उस बिजनेस के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, सब मैनेजर बहुत अच्छे हैं. ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक अप्रोप्रिएट मिक्स होना चाहिए. यानी डायरेक्टर में ऐसा होना चाहिए कि भाई जो बिजनेस कंपनी कर रही है उस बिजनेस के बारे में भी नॉलेज रखने वाला बंदा हो, रिपोर्टिंग के बारे में भी नॉलेज रखने वाला बंदा हो, कंप्लाइंसिस के बारे में भी नॉलेज रखने वाला बंदा हो. सही है, उस बिजनेस या उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कंप्लाइंस है वो पता हो. सही है, मैनेज अच्छा करने वाला भी बंदा मौजूद होना चाहिए. सही, तो ये चीज़ें मौजूद हों. डाइवर्सिटी से मतलब कि ये अप्रोप्रिएट मिक्स एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मौजूद होना चाहिए. इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ये बेसिकली जो रेगुलेशन है ये रिलेट करती है इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड. सही है, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर से रिलेट करती है ये. इफेक्टिव उस वक्त होती है जब इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स का मैटर हो. अच्छा, ये रेगुलेशन क्या बोल रही है, ये रेगुलेशन ये बोल रही है कि भाई माइनॉरिटी मेंबर्स जो हैं उनको बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए. सही है, अब
माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करने वाला जो बंदा है वो बोर्ड में कैसे आएगा जब बोर्ड जो बैठा है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है। सही है, इलेक्शन होंगे तो ज़्यादा वोट तो उन्हीं को पड़ जाने, तो माइनॉरिटी वाले को कैसे पड़ेंगे? सही, माइनॉरिटी वालों को ऐसे पड़ेंगे कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो माइनॉरिटी दूसरे शेयर होल्डर हैं, उनको ये राइट हो कि वो वोटिंग कर सकें और वो वोट करने में इंटरेस्टेड हों, या उनके लिए इजी बनाया जाए इस प्रोसेस को कि वो वोट कर सकें। हर किसी के लिए पॉसिबल तो नहीं होता कि वो इलेक्शन के टाइम पे ऑफिस में मौजूद हो, जाकर एक कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जाए, उस जगह पे जाए जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पे जाकर के वोट कास्ट करें। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। यूजुअली हर कंपनी में होता यह है कि अराउंड 50% या मोर देन 50% होल्डिंग जो है वो कुछ लोगों के पास होती है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के पास, रिमेनिंग जितनी भी है वो जनरल पब्लिक के पास होती है। सही है, तो जनरल पब्लिक इतनी सारी तो उठ करके नहीं आती ना वोटिंग के लिए। तो इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि कोई अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करने की ख्वाहिश रखता है और बोर्ड में आना चाह रहा है तो वो आ सके, इसको मेक श्योर करने के लिए कुछ लीनियंसी प्रोवाइड की गई है ऐसे लोगों को जो इनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा ना हो कि रिप्रेजेंट करने वाले जो बंदे हैं वो मेजर शेयर होल्डर हो, ऐसी वाली चीज़ नहीं है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर का अगर जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर ही होगा। सही है, कोई और नहीं होगा। अच्छा, क्या रिलैक्सेशन दी गई है? रिलैक्सेशन दी गई है प्रॉक्सी सॉलिसिटेशन की। ये क्या होता है? ये होता है कि प्रॉक्सी फॉर्म दिया जाता है और जब प्रॉक्सी फॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा होता है तो एक लीनियंसी प्रोवाइड की जाती है कि वो अपने आप को जो मेंबर्स हैं कंपनी के उनको प्रेजेंट कर सके कि भाई मैं आपके लिए ये काम करूंगा और मैं अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता हूँ एज रिप्रेजेंटेटिव माइनॉरिटी शेयर होल्डर, मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, आप मुझे वोट दें। आप मुझे वोट देने वाली चीज़ जो है ना, ये दूसरे डायरेक्टर को अलाउ नहीं है, ये इसे अलाउ है। सही है, तो जब इसे अलाउ की गई है कि ये ओपनली अपनी मार्केट कर सके, सही, अपनी मार्केट ओपनली कर सके, ये चीज़ इसे अलाउ की गई है, कंपनी इस चीज़ में फेवर करे। वैसे तो बाकी लोग भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे इसे कंपनी फेवर कर रही है कुछ स्पेसिफिक राइट्स के लिए। अब वो क्या क्या राइट है वो देख लेते हैं। द माइनॉरिटी मेंबर एज अ क्लास शेल बी फैसिलिटेटेड बाय द बोर्ड टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स बाय प्रॉक्सी सॉलिसिटेशन फॉर विच पर्पज द लिस्टेड कंपनी शेल। ये लिस्टेड कंपनी कर रही है ये काम। सही है, एनेक्स टू द नोटिस इशूड अंडर सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 179। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये वो नोटिस है जो कि मेंबर्स को जा रहा होता है ऑन इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के ये लोग इलेक्शन में इंटरेस्टेड हैं। सही है, एज कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। वो जो नोटिस जा रहा है ना वो ये नोटिस है। इस नोटिस का थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है। ये स्पेसिफिकली वो नोटिस है जो कि 7 days बिफोर द डे ऑफ इलेक्शन जाता है। जो प्रोसेस है वो हम कंपनीज एक्ट में जाकर के पढ़ेंगे। प्रोसेस तकरीबन ये है कि 32-35 days का टाइम होता है। उन डेज में आपको जो है वो एक नोटिस इशू करना होता है कि भाई ये लोग जो है वो रिटायर हो रहे हैं, इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंट होंगे। सही है, और उसके बाद अगर किसी को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो वो 14 days से पहले पहले जो है वो इलेक्शन की डेट से 14 days से पहले पहले हमें ये नोटिस प्रोवाइड करें। सही है, हमें अप्रोच करें। माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने अप्रोच किया कि भाई मैं इलेक्ट होना चाहता हूँ। अब उसका सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होगा और 7 days बिफोर इलेक्शन एटलीस्ट लोगों को नोटिस जा रहा होगा। ये जो 7 days से पहले जो नोटिस जा रहे हैं ये वो नोटिस है। अब हम पूरा सेक्शन 159 बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने एक चीज़ एक्सप्लेन सिंपल कर दी कि ये नोटिस कौन सा है। सही, इस नोटिस के साथ क्या चीज़ आएगी? आ स्टेटमेंट बाय अ कैंडिडेट फ्रॉम
among the minority shareholders who seeks to contest in election to the board, including a profile of the candidate. यानी ये जो नोटिस है इसमें दो चीज़ें शामिल करें, एक स्टेटमेंट उस पर्सन की जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, दूसरा उसका प्रोफाइल उसमें शामिल किया जाए। सही है, स्टेटमेंट में वो क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट में वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि भाई आप मुझे वोट दे दें, सही है मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ आप मुझे वोट दें, अनएथिकल चीज़ कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो यहाँ पर कोई लिमिटेशन उसके ऊपर नहीं रखी गई। इसके बाद दूसरी क्या चीज़ है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, कंपनी प्रोवाइड करी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मेंबर्स एंड शेयर होल्डर शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर टू द कैंडिडेट, उस कैंडिडेट को प्रोवाइड की जाएगी कंप्लीट लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स जिसमें लोगों के नाम आ रहे होंगे, लोगों की होल्डिंग आ रही होगी, लोगों का एड्रेस आ रहा होगा, उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। सही, ये डिटेल कैंडिडेट को कंपनी प्रोवाइड करेगी, पहले उसने नोटिस के साथ उसकी कैंडिडेट की स्टेटमेंट और उसका प्रोफाइल भेजा, उसके बाद उस कैंडिडेट को एक्सेस प्रोवाइड किया तमाम शेयर होल्डर्स की डिटेल में। सही, और ऑन रिक्वेस्ट बाय द कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट रिक्वेस्ट करता है तो, ये वाली चीज़ आ रही है, एंड एट द कॉस्ट ऑफ कंपनी, कंपनी खुद वो कॉस्ट बेयर करेगी। एनेक्स टू द नोटिस इशूड अंडर सबसेक्शन 4, ये हमने देख लिया कौन सा नोटिस था। सही है, एडिशनल कॉपी ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म, ये एडिशनल कॉपी है, इम्फेसिस है एडिशनल पे। सही है, हम हमेशा नोटिस के साथ एक कॉपी देते हैं प्रॉक्सी फॉर्म की, यहाँ पे दो कॉपीज की बात कर रहे हैं, एक तो आप जो देते हैं वो आप देंगे, दूसरी एडिशनल कॉपी होगी अ फॉर्म ड्यूली फिल्ड बाय सच कैंडिडेट, उस कैंडिडेट ने वो फिल की हो। सही है, इस कैंडिडेट ने वो फिल की हो, वो कैंडिडेट क्या फिल करके देगा, प्रॉक्सी फॉर्म जो है वो प्रॉक्सी अपने नाम पे देगा। सही है, और स्टेटमेंट में ये बोल सकते हैं कि अगर आप मुझे वोट देना चाहते हैं तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप इस प्रॉक्सी फॉर्म को बस साइन कर दें जो फिल हुआ है और भेज दें। वो प्रॉक्सी फॉर्म होगा उस पर्सन के नाम पे। सही है, जो पर्सन आपका इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं उसके नाम पर होगा, और वो सारे वोट अपने आप को देगा। सही है, कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, यहाँ तक मेरे ख्याल से एक्सप्लेन हो गया। बेसिकली वो प्रॉक्सी फॉर्म जा रहा है एक एडिशनल प्रॉक्सी, ये जो नोटिस है वो दो प्रॉक्सी फॉर्म के साथ जा रहे हैं, एक प्रॉक्सी फॉर्म जो है वो सिंपल ब्लैंक है, वो कैंडिडेट जो भी पर्सन है जिसको एड्रेस किया गया मेंबर को वो खुद से फिल करके दे सकते हैं, अगर वो किसी और को नॉमिनेट करना चाहते हैं, अगर वो किसी और को नहीं करना चाहता, इसी पर्सन को करना चाहता है जो माइनॉरिटी मेंबर जो है और जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे उसी को इलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो सिंपल वही वाला प्रॉक्सी फॉर्म जो कि फिल हुआ है वो उठा करके सेंड कर देगा साइन करके कंपनी को। सही, यहाँ तक मेरे ख्याल से चीज़ रिजॉल्व हो गई है। अब आते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यहाँ से थोड़े से लेंदी पोर्शन शुरू होगा आप लोगों का टॉपिक का, अभी तक तो टॉपिक जल्दी जल्दी ख़त्म हो गए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में आप चीज़ें मैंडेटरी देखेंगे, मैंडेटरी चीज़ें आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में मिलेंगी, मैंडेटरी चीज़ें आपको ऑडिट कमेटी में मिलेंगी, इंटरनल ऑडिटर में मिलेंगी और एक्सटर्नल ऑडिटर में मिलेंगी। सही, वहाँ पर मैंडेटरी की भरमार मिलेगी आपको। सही, बाकी जगहों पे मैंडेटरी इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा इस पूरे कोड में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है भाई, इट इज मैंडेटरी के, क्या मैंडेटरी है कि हर लिस्टेड कंपनी में शेल हैव एटलीस्ट टू, या तो दो या 1/3 मेंबर ऑफ द बोर्ड विच एवर इज हायर आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी या तो दो लोग या 1/3। अब 7 डायरेक्टर्स हैं, सही है, 7 को अगर 1/3 करते हैं तो 2 point something आएगा, तो अब किसी डायरेक्टर को काट तो नहीं सकते कि हम 2 point something कोई डायरेक्टर ले लें, तो इस फ्रैक्शन का क्या करें। इस फ्रैक्शन के लिए कंपनीज, इसने रेगुलेशन ने ये बोला है, ऊपर तो मैंडेटरी कर दिया मिनिमम 2 या 1/3, सही है ये मैंडेटरी कर दिया, नीचे आकर के मैंडेटरी वाली चीज़ हटा दी।
किस चीज़ से हटा दी? फ्रैक्शन पे से हटा दी मैंडेटरी वाली चीज़। ये बोल रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रेगुलेशन अ लिस्टेड कंपनी शेल एक्सप्लेन द रीजन। जहाँ रीजन मांग लिया इसका मतलब है कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच आ गई। शेल एक्सप्लेन द रीजन इन द कंप्लाइंस रिपोर्ट इफ एनी फ्रैक्शन कंटेन इन सच 1/3 नंबर विच इज नॉट राउंडेड अप। राउंड अप अगर नहीं किया गया एज वन तो क्यों नहीं किया गया वो एक्सप्लेन कर दें। मतलब यह है कि ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर 7 डायरेक्टर्स का बोर्ड है तो इसमें से आप बेहतर है, मैंडेटरी है कि आप 2 रखें, अदरवाइज बेहतर है कि आप 3 रखें। सही है, जब तक कि ये 3 मैंडेटरी ना हो जाए, मतलब कि 9 डायरेक्टर अगर हो गए हैं तो ये 3 मैंडेटरी हो जाएगा। सही, अभी तक 3 मैंडेटरी नहीं है मेरे ख्याल से। एक बहुत भारी हो रही है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे वो मिनिमम 2 या 1/3 होंगे। सही है, 1/3 का मतलब है अगर कोई फ्रैक्शन आता है तो फ्रैक्शन को राउंड अप किया जाएगा, अगर राउंड अप नहीं किया गया तो उसे एक्सप्लेन करने के राउंड अप क्यों नहीं किया गया। सही, एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है? मे बी एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि उनके पास अवेलेबल नहीं था। सही, इतने जो है वो अवेलेबल नहीं कर पाए थे, कोई भी वजह, कोई भी लिमिटेशन आ सकती है। अच्छा, फॉर द पर्पज ऑफ द इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर द बोर्ड शेल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड नॉट लेटर देन एक्सपायरी ऑफ इट्स करंट रन। ये चीज़ वही दे दिए। सही है कि जब एक्सपायर हो रहा होगा तब उन्हें, जब रिकन्स्टिट्यूट हो रहा होगा तब के बाद से ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली जो टर्म है ये अप्लाई हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि 2017 में 1 मैंडेटरी था, अब यहाँ पर इन्होंने 2 कर दिया। सही है। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गई कि कितने नंबर होने चाहिए, स्ट्रक्चर बता दिया। सही है, यानी अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं हम। पहला हमने बता दिया कि उसमें आपको 7 लोग मिनिमम होने चाहिए और 7 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज में वो डायरेक्टर ना हो। दूसरा, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए। अब आगे जाकर के देख रहे हो और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल सबमिट कंसेंट। जब वो अपॉइंट हो तो अपॉइंट होने से पहले, जब आप अपॉइंट करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप उसकी कंसेंट लें कि हाँ भाई आप जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको अपॉइंट किया जाए। सही है, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, पहले आप उसकी कंसेंट लेंगे। उसके बाद जब वो अपॉइंट हो जाता है तो वो एक डिक्लेरेशन चेयरमैन ऑफ द बोर्ड को सबमिट कराता है जिसमें वो ये बोलता है कि वो एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सही, और इस डिक्लेरेशन को जैसे जैसे कोई चेंज आएगा वैसे वैसे वो डिक्लेरेशन को रिवाइज करता रहेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। सही है, इट इज़ मैंडेटरी और ये मैंडेटरी टर्म है, ये आप छोड़ नहीं सकते। सही है, मैंडेटरी है ये। दैट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल सबमिट हिज कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन टू द कंपनी दैट ही क्वालिफाइज द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस नोटिफाइड अंडर द एक्ट। सही है, वो क्या क्राइटेरिया हो नीचे हम देख लेंगे। एंड सच डिक्लेरेशन शैल बी सबमिटेड टू चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एट फर्स्ट मीटिंग। जो पहली मीटिंग होगी इसकी अपॉइंटमेंट के बाद, उस मीटिंग में ये डिक्लेरेशन सबमिट करेगा। सही है, विच इज़ हेल्ड आफ्टर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर एज वेल एज ऑन इवेंट ऑफ एनी चेंज अफेक्टिंग इंडिपेंडेंस। जब कभी कोई चेंज होगा तो उसके बाद भी जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसमें ये अपनी डिक्लेरेशन जो सबमिट किया करेगा। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड कंपनीज एक्ट क्या बोलते हैं। अब ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं हाईलाइट हुआ, ये पूरा पोर्शन जो है वो कंपनीज एक्ट से रिलेट कर रहे हैं। सही, वो क्या बोल रहा है, ये बेसिकली कंपनीज एक्ट बता रहा है। मेनली तो आपको बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किया जाएगा और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सही, लेकिन कौन हो सकता है
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, वो चीज़ें भी यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही हैं। देख लेते हैं क्या बोल रही है। ये सबसे पहले अपनी रेगुलर अपने सब सेक्शन 1 जो है वो इसमें बोल रहे हैं कि भाई ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप ले रहे हैं ये एक डेटा बैंक से उठाए जाएंगे। वो डेटा बैंक कुछ इंस्टीट्यूट बनाएंगे, अपने पास मेंटेन करेंगे और इंस्टीट्यूट को SECP जो है वो ऑथराइज जिनको करेगा वही इंस्टीट्यूट मेंटेन करेंगे। यानी और पहले SECP ऑथराइज करेगा इंस्टीट्यूट्स को, डिफरेंट वो इंस्टीट्यूट्स मेंटेन करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेटा बैंक, और उन डेटा बैंक में से ही कोई कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, इसके अलावा कहीं बाहर से नहीं कर सकती। सही है, यानी SECP ने कुछ इंस्टीट्यूट को ऑथराइज किया और वो कर चुकी है, मौजूद है इंस्टीट्यूट ऐसे। वो इंस्टीट्यूट पब्लिक को एड्रेस करेंगे कि भाई हमारे पास आप एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रजिस्टर हो सकते हैं। वो अपना कुछ क्राइटेरिया बताएंगे, वो क्राइटेरिया मीट होता होगा तो वो उस पर्सन को एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने पास रजिस्टर करेंगे। अब उनकी लिस्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नाम आ गया, उसकी क्वालिफिकेशन आ गई, उसका डाटा शो हो रहा है। कंपनीज का तरीका ये होता है कि कंपनीज पे करती हैं उन इंस्टीट्यूट को उस डाटा बैंक पे एक्सेस लेने के लिए। उस डाटा बैंक पे एक्सेस मिलता है, वहाँ से वो अपने डिजायर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेलेक्ट करते हैं, उसे कांटेक्ट करते हैं। अगर वो कंसेंटेड होता है तो ये अपॉइंट कर लेते हैं, अगर वो कंसेंटेड नहीं होता या कोई लिमिटेशन होती है तो किसी दूसरे पे स्विच कर जाते हैं। अब यहाँ पे लिमिटेशन आ सकती है कि आपने 2 क्यों अपॉइंट किया, आपने 3 क्यों नहीं अपॉइंट किए थे, वही वाली चीज़ जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन की थी। सही, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है। डेटा बैंक मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। इनिशियली ये चीज़ ऐसी थी कि हर कंपनी अपने रिसोर्सेस से ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो अरेंज कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि डेटा बैंक बन चुका है तो अब मैंडेटरी है कि हर कंपनी डेटा बैंक से ही उठाएगी। और इसमें कोई रिलैक्सेशन है किसी तरह, कोई टाइम ग्रांट हो सकता है आज की डेट पे या नहीं हो सकता, ये हम आगे जाके देख रहे होंगे। आगे रेगुलेशन इसके लिए मौजूद है। सही है, अभी हम यहाँ पे नहीं देख रहे इसे। अच्छा, इसके बाद प्रोवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस। अब आप सेलेक्ट करने तो जा रहे हैं, सही है। एक तो है इंस्टीट्यूट ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का डाटा बैंक तो बना लिया, सही है, बना लिया। अब वहाँ से आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं कोई कंपनी के इस बोर्ड में मैं किस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लूँ। बोर्ड में गए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेलेक्ट किया, तो जिस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या आपकी कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट है एक्चुअली या नहीं है, क्या उस डायरेक्टर की वो कॉम्पिटेंस है या नहीं है, क्या वो डायरेक्टर आपके लिए वो तमाम क्राइटेरिया फुलफिल कर पाएगा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिक्वायर्ड है या नहीं है, कहीं वो कोई नॉन कंप्लाइंस तो नहीं कर रहा, ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूट की नहीं है, ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है। सही है, या गवर्नमेंट की है, एज द केस में भी कोई पब्लिक सेक्टर एंटिटी है तो उसमें गवर्नमेंट की है। सही है, उस पर्सन ने कोई फ्रॉड किया हुआ है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेटा बैंक में आ रहा है और उसने प्रीवियसली कोई फ्रॉड किया हुआ था। सही है, आपके लिए पूरा इंडिपेंडेंट है, कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन प्रीवियसली कोई फ्रॉड इसका मौजूद है, तो ये ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करने की रिक्वायरमेंट आपकी है, कंपनी की है। सही, लेकिन ऐसा नहीं कि इस तरह की चीज़ों से भी ये फ्री कर दिया गया है। SECP ने जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो मेंटेन कर रहे हैं उनके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगाई हैं, वो भी देख लेते हैं आगे। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मीन, यहाँ पे अब आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक्सप्लेन करें कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, यहाँ से एक्सप्लेन हो रहा है। सही है, डायरेक्टर हु इज नॉट कनेक्टेड कंपनी से कनेक्टेड नाउ और डज नॉट हैव एनी अदर रिलेशनशिप, किसी दूसरे तरीके की कोई रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, वेदर पिक्यूनरी और अदरवाइज, चाहे वो मॉनेटरी हो या कोई दूसरी हो। सही है, विद द कंपनी, उस कंपनी के साथ, उसकी एसोसिएटेड कंपनीज, उसकी सब्सिडरीज, जब एसोसिएट कर दिए तो सब्सिडरीज ऑलरेडी इंक्लूड हो गई, होल्डिंग ऑलरेडी इंक्लूड हो गई, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी।
सही है, लेकिन अलग से मेंशन किया गया है। क्यों? क्योंकि तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है हेड में। इट्स एसोसिएटेड कंपनीज, सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनीज और डायरेक्टर्स। सही है, यानी किसी से किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। सही है, ये चीज यहाँ पे खत्म हो गई है। सही, कोई रिलेशनशिप, कोई कनेक्शन कंपनी से, उसके डायरेक्टर से, उसके एसोसिएट से, उसकी होल्डिंग या सब्सिडरी से नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से दूसरी बात स्टार्ट हो रही है, एंड कैन बी रीजनेबली परसीव्ड एज बीइंग, यानी एक रीजनेबल पर्सन अगर उसे सारा नॉलेज है तो वो ये परसीव कर सके एज बीइंग एबल टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट बिजनेस जजमेंट, के ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ये इंडिपेंडेंट बिजनेस जजमेंट एक्सरसाइज कर पाएगा। सही है, जिस भी तरीके से वो कंपनी के साथ इंगेज है ये पता चल रहा हो देखने से कि हाँ वो अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट जो है वो एक्सरसाइज कर पाएगा विदाउट बीइंग सब सर्वियंट टू एनी फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बगैर। सही है, यानी कोई कनेक्शन भी ना हो। दूसरा, ये परसीव किया जा सकता हो कि भाई वो अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट जो है वो इस्तेमाल कर पाएगा विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, अब ऊपर जो बात की गई है वो अपनी जगह पे वैलिड है। सही, नीचे उसने कुछ एग्जाम्पल दे दिए है अपने, जिसमें ये बता दिया कि भाई किस तरीके के लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकते, और ये भी बता दिए किस तरीके के लोगों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में लिया जाएगा। सही है, यहाँ पे है नो डायरेक्टर शेल बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट। सही है, इसका मतलब है नीचे जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो अगर किसी पर्सन में है तो वो इंडिपेंडेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो एम्प्लॉय रहा है, अच्छा याद रखिएगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट में 3 साल, 3 ईयर्स, हर जगह ये 3 ईयर्स रिपीट हुआ है। सही है, वो एम्प्लॉय रहा है इस कंपनी का या उसकी सब्सिडरी का या उसकी होल्डिंग का विद इन लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स में से किसी भी साल वो एम्प्लॉय रह चुका है, सॉरी लास्ट 3 ईयर्स में वो एम्प्लॉय रह चुका है, ये किसी भी साल नहीं है। सही है, लास्ट 3 ईयर में वो एम्प्लॉय रह चुका है कंपनी का या उसकी सब्सिडरी का या उसकी होल्डिंग का। दूसरा, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट हो चुका है। सही है, सेम कंपनी का, उसकी सब्सिडरी का या उसकी होल्डिंग का। सही है, लास्ट 3 ईयर में, और ही हैज़ हैड विद इन लास्ट 3 ईयर्स अ मटीरियल बिजनेस रिलेशनशिप, कोई मटीरियल बिजनेस रिलेशनशिप या तो उसकी कंपनी के साथ या उसके डायरेक्टर्स के साथ हुई हो, या ऐसी कंपनी की जिसमें वो डायरेक्टर या पार्टनर था उस कंपनी की इस कंपनी के साथ या इसके डायरेक्टर के साथ हुई हो। सही है, किसी किस्म की कोई मटीरियल बिजनेस रिलेशनशिप प्रीवियसली ना रही हो इसकी, कब तक की? लास्ट 3 ईयर्स की। सही है, ये 20 लास्ट 3 ईयर्स में। अच्छा, यहाँ पे एक तो मेजर बिजनेस रिलेशनशिप है, ये डिपेंड करता है कि एक्सटेंट क्या है इसकी। सही है, कितनी इंपॉर्टेंट है वो रिलेशनशिप, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया एक्ट में, लेकिन यहाँ पे मेजर शेयर होल्डर को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये जो टर्म है वो यानी ये जो रिलेशनशिप वो मेजर शेयर होल्डर के साथ भी नहीं हो सकती। ये मेजर शेयर होल्डर को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो कौन होता है। वो पर्सन होता है जिसके पास 10% या उससे ज़्यादा की होल्डिंग हो या वोटिंग राइट्स हो, वो मेजर शेयर होल्डर कहलाता है। सही है, अच्छा चौथी कंडीशन ये बोलते हैं कि ही हैज़ रिसीव्ड एनी रेम्यूनरेशन इन पास्ट 3 ईयर्स, अगर कोई रेम्यूनरेशन उसे किसी भी तरीके से पास्ट 3 ईयर्स में मिली है कंपनी की तरफ से। सही है, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है।
अच्छा, इस रेम्यूनरेशन में जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, सही है। लेकिन ऐसी चीज जो कि परफॉर्मेंस बोनस टाइप की कहलाती है, सही है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज की है, सॉरी एम्प्लॉय स्टॉक स्कीम्स होती हैं, सही है, उन स्कीम में पार्टिसिपेशन है, अगर वो पार्टिसिपेट किया है तो वो एलिजिबल नहीं है और रेम्यूनरेशन कंसिडर की जाएगी, सही है। लेकिन जो रिटायरमेंट बेनिफिट है उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा एज रेम्यूनरेशन। इसके अलावा वो क्लोज रिलेटिव ना हो कंपनी के प्रोमोटर्स का, डायरेक्टर का या शेयर होल्डर का, सही है, कोई क्रॉस डायरेक्टरशिप ना हो। क्रॉस डायरेक्टरशिप का क्या मतलब है? क्रॉस डायरेक्टरशिप का मतलब है मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी की कंपनी में डायरेक्टर है, मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए की कंपनी में डायरेक्टर है, सही, ऐसी कोई क्रॉस डायरेक्टरशिप ना हो। मसलन एक लिस्टेड कंपनी है, इसमें मिस्टर ए डायरेक्टर है, एक पर्सन है जो कि मिस्टर बी है, वो किसी एबीसी कंपनी में जो वो डायरेक्टर है, तो मिस्टर सी जो है वो एबीसी कंपनी में भी डायरेक्टर रहे हैं, सही है। तो ये चीज़ क्रॉस डायरेक्टरशिप हो जाएगी अगर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट कर दिए जाते हैं, तो ये क्रॉस डायरेक्टरशिप है कि लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर इनकी कंपनी में डायरेक्टर और ये खुद जो है वो लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर आ रहा है, सही है, ऐसी कोई क्रॉस डायरेक्टरशिप नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर प्रीवियसली वो बोर्ड में अपॉइंट हो चुके हैं लास्ट 3 इयर्स में, सही है, और अपनी टर्म वो कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। अच्छा, ये वाली चीज़ उस वक्त खत्म हो जाती है जब बीच में एक टर्म का पीरियड गुजर चुका हो, आफ्टर अ लैप्स ऑफ 1 टर्म ही हैज सर्व्ड ऑन द बोर्ड फॉर मोर देन 3 कंसेकेटिव टर्म्स, 3 टर्म्स उसने जो है वो सर्व की हो एज बोर्ड मेंबर, सही है, 3 टर्म से ज़्यादा टर्म उसने एज बोर्ड मेंबर अगर सर्व की है कंपनी में, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा। वो किस वक्त ऐसी कंडीशन में वो कब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? उस वक्त हो सकता है जब एक टर्म लैप्स कर चुकी हो, यानी 3 टर्म से ज़्यादा उसने एक्सरसाइज किया था, फिर वो रिटायर हुआ था, फिर 3 साल जो है वो निकल गए, अब वो 3 साल के बाद एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, सही, क्यों? क्योंकि बीच में एक ट्रक गुजर गई जिसमें वो डायरेक्टर नहीं था। इसके अलावा अनोमिनेटेड पर्सन, कोई नॉमिनेटेड पर्सन है तो वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता, सही, क्यों नहीं हो सकता भाई? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई नॉमिनेटेड पर्सन, नॉमिनेटेड पर्सन का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरेस्ट नॉमिनेटेड पर्सन का नहीं है, लेकिन वो किसी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे नॉमिनेटेड है कंपनी में, सही है। तो अब वो जब किसी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, तो साफ सी बात है जिसका इंटरेस्ट वो प्रोटेक्ट कर रहा है वहां से उसे कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, सही है। यूजुअली ये होता है कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं या किसी कंपनी ने अगर इन्वेस्टमेंट की है, तो वो अपना जो है वो कोई नॉमिनी डायरेक्टर जो है यहाँ पे अपॉइंट कर देता है एज डायरेक्टर, सही है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होते हैं, जहाँ तक तो आपने वो कंडीशंस देख ली है कौन कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो भी नॉर्मल मैनर में इलेक्ट हुआ जैसे कि दूसरे डायरेक्टर इलेक्ट हुए हैं, सही है, इससे कोई ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा इसमें। सिंपल, जैसे आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, वो आप बताएंगे कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप इसे अपॉइंट कर रहे हैं, ये इलेक्शन के लिए जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, उनका नोटिस उसी तरीके से जाएंगे जैसे चाहते हैं, सही है। बस नोटिस में एक एडिशनल चीज़ आएगी, वो ये बोलेंगे जस्टिफिकेशन फॉर चूजिंग, जस्टिफिकेशन फॉर चूजिंग द अपॉइंटी फॉर अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सही है, आप उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाह रहे हैं, इसकी आप जस्टिफिकेशन देंगे, सिंपल, बस ये एक एडिशनल चीज़ है, बाकी पूरा वही प्रोसीजर फॉलो होगा जो कि नॉर्मल डायरेक्टर के इलेक्शन में फॉलो हो रहा होता है। अच्छा, उस वक्त तक आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते जब तक आप इसकी कंसेंट नहीं लें, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं ये, सही है। जो प्रोसीजर या मैनर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सिलेक्शन का वो स्पेसिफाई किया जा सकता है, सही है, और
ये डेटा बैंक जो भी बात की थी ना कि डेटा बैंक जो मेंटेन कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, उनकी भी कोई रिक्वायरमेंट है। तो ये जो रेगुलेशन है, सॉरी सब सेक्शन है ये 5, ये इस चीज़ को बता रहा है। और क्या बता रहा है, शेल बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन, कमीशन स्पेसिफाई करेगा इसे। और कमीशन ने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया होगा, क्यों, क्योंकि बोर्ड बन चुका है, सही है, डेटा बैंक बन चुका है। अच्छा, अब अपॉइंटमेंट की सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है, वो कह रहा था कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेटा बैंक से उठाएंगे, सही है। इसके लिए एक रिलैक्सेशन दे दी गई है, क्या है, शेल बी डीम्ड रिलैक्स्ड टिल सच टाइम अ नोटिफिकेशन इशूड बाय द कमीशन। कमीशन कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं करती, कमीशन नोटिफिकेशन इशू कर चुकी है, डेटा बैंक अवेलेबल है, सही है। तो ये चीज़ तो ख़त्म हो गई, ये वाली चीज़ आज की डेट पे अप्लाई नहीं होती, लेकिन हाँ ये आपके एग्ज़ाम में अप्लाई होती है, एग्ज़ाम में बोला जा सकता है, बताया जा सकता है, सही है, आपसे टेस्ट किया जा सकता है, तो आपको दोनों चीज़ें लिखनी है। दूसरा क्या पॉइंट है, मे बी रिलैक्स्ड बाय द कमीशन ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी। अगर कंपनी खुद कोई अप्लाई करती है कि भाई हमें ये टर्म जो है वो रिलैक्स कर दी जाए और सफिशेंट एविडेंसेस और जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, तो कमीशन उसे अलाउ कर सकता है कि आप डेटा बैंक में से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना सेलेक्ट करें, सही है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, अभी जो हम लॉ पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ने का तरीका कुछ और होता था, अब पढ़ने का तरीका कुछ और है। पहले पढ़ने के तरीके में ये होता था कि आपको रटना पड़ता था, आपको याद रखना पड़ता था, क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम ओपन बुक नहीं था। अब एग्ज़ाम आपका है ओपन बुक, सही, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो बुक है उससे अपनी फ्रेंडशिप बढ़ानी है, किसी और से नहीं, बुक से फ्रेंडशिप बढ़ानी है। और सॉफ्ट में मेंटेन है डेटा, उससे नहीं, अपने नोट से नहीं, किसी पर्सन से नहीं, किसी से नहीं। आपको जो एक जो आप लेकर के जाएंगे, जो बुक लेकर के जाएंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो SSRAM की हो, पेटी वाला की हो, किसी की भी हो, जिसमें सारे एक्ट्स और रेगुलेशन एक जगह पे मौजूद हैं जो आप लेके जाने वाले हैं एग्ज़ाम में, वो अभी से परचेज करें, उस बुक के साथ बैठ करके दिन में कुछ टाइम स्पेंड किया करें उसके साथ बातें करें, उस पर कुछ हाईलाइट करना है हाईलाइट करें, कुछ लिखे नहीं, लेकिन इतनी फ्रेंडशिप करें उस बुक के साथ कि वो बुक आप जब एग्ज़ाम में खोलें तो वो खुद आपको बता रही हो कि ये मैटर यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है, सही है। आप जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें आप देख रहे होंगे चीज़ें हाईलाइट हुई हुई है, सही है, हाईलाइट नहीं, अंडरलाइन और बोल्ड हुई हुई है, सही है, आप देख रहे होंगे इस पूरे डॉक्यूमेंट में, आप देखते हुए जाइएगा। अब यहाँ पे निशानी है, ये जो सिंपल बोल्ड हुआ है ना, ये मैंने नहीं किया, ये रेगुलेशन में या एक्ट में ऑलरेडी हुआ हुआ है, लेकिन कहीं पे बोल्ड विथ हाईलाइट है, ये वो की वर्ड है जिसे मैं देखते के साथ ही आपको ये पूरी कहानी जो है वो यहाँ पे सुना दूँ, मुझे इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब अभी भी मैं जितना भी आपको बताते हुए जा रहा हूँ, कैसे बताते हुए जा रहा हूँ, मैं सिंपल, अब पूरी रेगुलेशन मुझे रटी हुई तो नहीं है, मुझे नॉलेज है, सही है, मुझे मालूम है कि क्या चीज़ क्या है, सही है, लेकिन अब पूरी रेगुलेशन रटी हुई तो नहीं है, हर एक पॉइंट बताना उसके लिए, ये बेसिकली वर्ड जो है, ये वर्ड है जो मुझे याद दिला देगा कि यहाँ पे क्या चीज़ है, सही, क्या चीज़ एक्सप्लेन हुई है। इसने जैसे मुझे याद दिलाया मुझे पता लगेगा भाई मैंने जैसे ये पढ़ा, आफ्टर अ लैप्स ऑफ 1 टर्म, आफ्टर अ लैप्स ऑफ 1 टर्म में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पढ़ते हुआ आ रहा था, ये सिंपल जो है वो डायरेक्टर अगर प्रीवियसली सर्व कर चुका हो बोर्ड में तो उसके लिए, सही है, तो उसके लिए मुझे मालूम है कि उसकी क्या कंडीशन है, उसकी कंडीशन पर भाई 3 कंजिकेटिव टर्म से ज़्यादा अगर उसने सर्व किया हो तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। कब वो निकलेगा, वो उस वक्त निकलेगा जब 1 टर्म जो है वो बीच में लैप्स कर चुकी है, फ़ौरन जहन में आ गया। यही चीज़ जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे बुक लेकर के ना, तो यही चीज़ आपके साथ भी होगी। अगर ये चीज़ आपके साथ घर में बैठे हुए हो रही है तो एग्ज़ाम में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और ये उसी वक्त होगी जब आप बुक से अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाएंगे, उस बुक से जो आप ले करके जा रहे हैं एग्ज़ाम में,
सही, किसी दूसरी बुक से नहीं, किसी नोट से नहीं, आई स्टडी टेक्स्ट अगर मिल रही है तो उससे नहीं, किसी से नहीं। सही, सिंपल उस बुक से जो आप एग्जाम में ले करके जा रहे हैं, आपको उससे फ्रेंडशिप बढ़ानी है। ऐसी फ्रेंडशिप कि एक बुक के साथ आपकी टू वे कम्युनिकेशन हो जाए, आप उससे कुछ पूछें और वो आपको बता दे। सही है, हाईलाइट बहुत अच्छा तरीका है, हाईलाइट करते रहें, पढ़ते रहें। सही, और ये आपको एक अच्छी चीज़ है कि ओपन बुक हो गया। आपके लिए ऐसा नहीं है कि अगर आपने बुक खोल ली तो आपका टाइम ज़ाया होगा, ऐसा नहीं है, बुक हमेशा नहीं खोली जाती। आप जब ये पढ़ते हुए जाएंगे, पढ़ेंगे, तो आपके जहन में चीज़ ऑलरेडी बैठी हुई है। आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के बाद आपके जहन में आ सकता है कोई छोटी सी चीज़, आपको ये मिस हो गई कि भाई 30 डेज था या 45 डेज था या 35 डेज था। सही, आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है ये किस एक्ट से आया, उस एक्ट का आपको पता है कि ये जो टॉपिक है ये एक्ट में किन सेक्शंस या किस तरह की सीरीज में कवर हुआ हुआ है, उस सीरीज में पहुंचे, आपको हेडिंग्स मिल रही होंगी, आपको अपने हाईलाइट मिल रहे होंगे, आप फौरन उस हाईलाइट स्पेसिफिक पे पहुंचेंगे उस पेज पे, और उस पेज पे जाते ही साथ ही जैसे ही आपको पंचिंग वर्ड या जो चीज़ आपने हाईलाइट की है वो जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको याद आ जाएगा कि भाई कितना कितने डेज है। सही, कहाँ पर है, या उस लाइन में आपको नज़र आ जाएगा, आप सिंपल वहाँ से उठा करके डाल सकते हैं। लेकिन ये उसी वक्त होगा और टाइम उसी वक्त सेव होगा जब आपकी फ्रेंडशिप बुक से अच्छी होगी। सही है, जब आपने बुक अच्छी तरीके से पढ़ी होगी, रटने की ज़रूरत नहीं है। सही है, लेकिन बुक आपको जानती हो, आप बुक को जानते हो, या बुक तो खैर नॉन लिविंग बींग है वो खैर इतना नहीं जानेगी, अगर आप जानते हो बुक को तो आप पास हो जाओगे। और लॉ में आप बहुत अच्छे चांसेस हैं पास होने के। सही है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब मिनिमम डायरेक्टर, सॉरी फीमेल डायरेक्टर, फीमेल डायरेक्टर की पार्टिसिपेशन जो है वो मैंडेटरी है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं है या कोई फीमेल डायरेक्टर नहीं है तो वही पेनल्टी लग जाएगी। और ये जो फीमेल डायरेक्टर की पार्टिसिपेशन है वो सब्जेक्ट टू सेक्शन 154 है। 154 बताता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कितने नंबर्स चाहिए। सही है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इट इज़ मैंडेटरी दैट द बोर्ड शैल हैव एटलीस्ट वन फीमेल डायरेक्टर। सही है, यहाँ पे वन है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी में, पब्लिक सेक्टर कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे टू है। सही है, एटलीस्ट वन फीमेल डायरेक्टर्स व्हेन इट इज रिकंस्टिट्यूटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स करंट रन। जब वो रिकंस्टिट्यूट होगा तो उसके बाद से ये एप्लीकेबल हो रहा है, फॉरन एप्लीकेबल नहीं है। सही है, तो वही वाली चीज़ है, मेजोरिटी वोट तो रिकंस्टिट्यूट हो गए होंगे, थोड़ा सा पीरियड और बाकी है, देख लेते हैं उसमें हो जाएंगे। तो अब इतनी ज़्यादा रेलिवेंट ये चीज़ है नहीं, हर बोर्ड में आपको एक फीमेल डायरेक्टर यूजुअली मिल जाएगी। सही है, अच्छा 154 सेक्शन क्या बोल रहे हैं, 154 सेक्शन जो है वो बता रहे हैं कि किस कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए। सही है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग। बहुत खतरनाक सी स्टेटमेंट है ये, बोल रहे हैं कि भाई कहीं पे कुछ लिखा हो, कुछ हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, कुछ हो जाए, कहीं कुछ लिखा हो, बस ये जो मैंने बोल दिया ना ये होना है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अच्छा क्या है, सिंगल मेंबर कंपनी में एक डायरेक्टर। सही है, सिंगल मेंबर एक डायरेक्टर, एवरी अदर प्राइवेट लिमिटेड टू डायरेक्टर्स मिनिमम, पब्लिक कंपनी अदर देन लिस्टेड थ्री डायरेक्टर्स मिनिमम, लिस्टेड कंपनी नॉट लेस देन 7 डायरेक्टर्स। सही है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बता रहे हैं बस सिंपल ये सेक्शन। और ये चीज़ हमने वैसे ही याद है, हमने कैफ में पढ़ी थी, और ये ऐसी चीज़ें जो कैफ से पढ़ने के बाद भी कोई नहीं भूला होगा, चाहे कितना भी पीरियड कैफ को गुजर जाए, 10 साल गुजर जाए, मेरे ख्याल में ऐसे तो अल्लाह ना करे कि 10 साल गुजरे, लेकिन जितना पीरियड गुजर जाए ये चीज़ नहीं भूलते। दस साल तो कैफ किए हुए गुजरेंगे, लेकिन सी फैक में आप हैं और कैफ किए हुए 10 साल गुजर गए, ये चीज़ खतरनाक है, ये नहीं होनी चाहिए। सही है, प्रोवाइडेड दैट पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी शैल बी
रिक्वायर्ड टू हैव फीमेल रिप्रेजेंटेशन ऑन देयर बोर्ड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन। यहाँ पर भी देख लें, एज मे बी स्पेसिफाइड आ गया और ऊपर स्पेसिफाई ऑलरेडी कर दिए गए। सही है। ओनली नेचुरल पर्सन शेल बी अ डायरेक्टर, ये भी चीज़ हम भूलने वाले नहीं है। सही है, कोई नेचुरल पर्सन ही डायरेक्टर हो सकता है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन डायरेक्टर नहीं होगा। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमने ऊपर पढ़ लिया था, अब हम पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में क्या है? इट इज़ मैंडेटरी। मैंने बोला था डायरेक्टर से रिलेटेड कोई चीज़ है तो हर जगह मैंडेटरी है। ऑडिट कमेटी से रिलेटेड मैंडेटरी है, और एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से रिलेटेड मैंडेटरी है, वर्मा रैंक की। सही है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से रिलेटेड भी क्या है, इट इज़ मैंडेटरी दैट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंक्लूडिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सही है, चाहे वो अपॉइंट, यहाँ पे इंक्लूड करने का मतलब है चाहे वो अपॉइंटेड हो चाहे वो बोर्ड में से हो। सही है। इट इज़ मैंडेटरी दैट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंक्लूडिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेल नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द बोर्ड। बोर्ड की 1/3 से ज़्यादा ना हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्या था, 1/3 से कम ना हो, यहाँ पे 1/3 से ज़्यादा ना हो। तो इसका क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट के लिए फ्रैक्शन को अपवर्ड राउंड किया गया था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि फ्रैक्शन को डाउनवर्ड राउंड किया गया होगा। सही है, देख लेते हैं इस चीज़ को भी। ये आ रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेशन अ लिस्टेड कंपनी शैल एक्सप्लेन द रीजन इन कंप्लायंस रिपोर्ट एनी फ्रैक्शन कंटेन्ड इन सच 1/3 नंबर विच इज राउंडेड अप एज 1। जिसको राउंड अप कर दिया गया है उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ऊपर क्या था, राउंड अप क्यों नहीं किया गया उसे एक्सप्लेन करें, यहाँ पे है राउंड अप क्यों किया गया उसे एक्सप्लेन करें। सही है, दोनों में डिफरेंस समझ रहे होंगे। अच्छा, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द अबव रेगुलेशन 1 द बोर्ड शैल रिकंस्टिट्यूट नॉट लेटर देन इट्स एक्सपायरी ऑफ करंट रन। सही है, मैं हमेशा ही बोल रहा हूँ कि ये चीज़ अब इतनी ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। यहाँ तक सब चीज़ें हो गई होंगी मेरे ख्याल में। हम थोड़ा सा और कवर करके इसे नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा छोड़ते हैं, ये 9 को हम कवर कर लेते हैं, 10 से जो है हम नेक्स्ट में देखेंगे, और फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में पूरे का पूरे इसे कंप्लीट करेंगे रेगुलेशन को। अच्छा, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, यहाँ पे बड़े मज़े की चीज़ है, वो क्या है, द चेयरमैन एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ कंपनी बाय वट एवर नेम कॉल्ड शैल नॉट बी द सेम पर्सन। सही है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक इंसान नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग होने। सही है, फेयर इनफ। रेगुलेशन में ये चीज़ आई है, रेगुलेशन ने कहीं कोई दूसरी चीज़ नहीं बोली थी। सही, तो रेगुलेशन में ये चीज़ आ रही है, समझ आता है। सही, चेयरमैन एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड शैल नॉट बी द सेम पर्सन, एक पर्सन नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग लोग होंगे। द चेयरमैन शैल बी इलेक्टेड सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 192 ऑफ द एक्ट। अब यहाँ पे रेगुलेशन ने एक सेक्शन को रेफर कर दिया, इस सेक्शन में जो है ना, इस सेक्शन में कह रहे हैं कि जो चेयरमैन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव्स में से होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव्स में से ले रहे हैं तो इज इट पॉसिबल कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो? ये पॉसिबल ही नहीं है। सही, जब ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है तो कैसे, इस रेगुलेशन का पर्पस क्या हुआ, इस रेगुलेशन का पर्पस क्या हुआ जब ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है? चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो ही नहीं सकता, चेयरमैन होगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा तो क्या वो चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है? इम्पॉसिबल चीज़ है। ये रेगुलेशन बंद देने की खास ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन आ गई है, कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है, आ गई है एडिशनल। सही है, अब ये जो मैंने चीज़ एक्सप्लेन की है ना, ये आपके जहन में बैठ जाएगी कि एक एरर निकला था, एक प्रॉब्लम निकली थी चेयरमैन से रिलेटेड। सही है कि चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, तो इसकी कोई नीड ही नहीं थी ये बताने की कि चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो अलग अलग लोग होने चाहिए। सही है, अब आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे ये चीज़ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं।
क्या लिखा है 192 में, द बोर्ड ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शेल विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन। जैसे ही इलेक्शन हुआ, सही है, डायरेक्टर्स का इलेक्शन हुआ, उसके 14 डेज के अंदर अंदर उन्हें चेयरमैन को इलेक्ट करना है, सही है, अपॉइंट करना है, सही, अपॉइंट अ चेयरमैन फ्रॉम अमंग द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से अपॉइंट करना है, सही है। हु शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ये इक्वल पीरियड है जो कि डायरेक्टर्स का है, सही है, अनलेस ही अर्लियर रिजाइन, अनलेस वो रिजाइन कर दे या इनएलिजिबल हो जाए या डिसक्वालीफाई हो जाए, सही है। और इसकी इनएलिजिबिलिटी और डिसक्वालिफिकेशन क्या होगी, वो वही होगी जो कि डायरेक्टर्स की होती है, या डायरेक्टर उसे खुद रिमूव कर दें, रिजाइन दे दे, इनएलिजिबल हो जाए, डिसक्वालीफाई हो जाए, या डायरेक्टर उसे खुद रिमूव कर दें, सही है, तो अलग चीज़ है। अदरवाइज उसकी टर्म 3 साल की होगी और वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से होगा और उसे इलेक्ट किया जाएगा विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, सही है यहाँ तक। यानी जब आपके पास से मीटिंग ऑफ मिनट्स आ रहे हैं ना, तो उससे पहले पहले आपको चेयरमैन इलेक्ट कर लेना, चेयरमैन अपॉइंट कर लेना है। द बोर्ड शेल क्लियरली डिफाइन द रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। दोनों की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेसिफिकली डिफाइन की जाए, यानी टर्म ऑफ रेफरेंस इन राइटिंग कहीं नोटेड होने चाहिए, सही, डिफाइन स्पेसिफिकली डिफाइन करने का, क्लियरली अगर आपको कोई चीज़ डिफाइन करनी है तो वो नोटेड ही होती है, उसके अलावा नहीं हो सकती। खैर यहाँ पे नोटेड ही कहीं रिक्वायरमेंट नहीं डाली है, लेकिन क्लियरली डिफाइन करने का बोला है कि ऐसा ना हो कि दोनों एक दूसरे के मामला में इंटरफेयर कर रहे हों। चीफ एग्जीक्यूटिव ये ना समझे कि वो बोर्ड को लीड कर रहा है, वो बोर्ड को लीड नहीं कर रहा है, चेयरमैन का काम है कि बोर्ड को वो मीटिंग में लीड करे, सही, चीफ एग्जीक्यूटिव का नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, चीफ एग्जीक्यूटिव का मेनली काम है कंपनी के ऑपरेशंस को लीड करना, सही, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म रखना। प्रोवाइडेड दैट द कमीशन मे स्पेसिफाई द क्लासेस ऑफ कंपनीज फॉर विच द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव शैल नॉट बी द सेम इंडिविजुअल। ये चीज अब आगे खतरनाक, ये बोल रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कमीशन जो है वो स्पेसिफाई कर दे, सही है, कि चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव एक बंदे नहीं हो सकते। अब ये चीज पढ़ते के साथ ही हमें अंदाजा हो रहा है कि भाई यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया है वो तो यही एक्सप्लेन किया है ना कि ये एक बंदे नहीं हो सकते, यही चीज तो लॉ में डाली है। प्रोवाइडेड दैट कमीशन में स्पेसिफाई द क्लासेस ऑफ कंपनीज फॉर विच द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव शैल नॉट बी द सेम इंडिविजुअल। ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर दे कमीशन के जिसमें चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव एक बंदे नहीं हो सकते। ये रेगुलेशन इसके हिसाब से तो सही नहीं है, क्यों, क्योंकि ऊपर स्पेसिफाई किया गया है, लेकिन क्या ये सही है अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे सही नजर नहीं आ रही। क्यों सही नजर नहीं आ रही, क्योंकि ऊपर तो बोल दिया है कि वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से होगा, सही है। अब क्या करें, अब ये करें कि ऊपर जो बोला है ना कि वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से होगा, वो बोला है लिस्टेड कंपनी के लिए, सही है, वो बोला है लिस्टेड कंपनी के लिए, तो लिस्टेड कंपनी में जो चेयरमैन अपॉइंट होगा वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से ही होगा, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से नहीं हो सकता, वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकता। तो एनी हाउ ये स्टेटमेंट यहाँ के लिए, अब ये बात अगर मैं इस स्टेटमेंट को सही मानूँ, सही है, इसके हिसाब से ये वाली स्टेटमेंट सही बन रही है, ये वाली स्टेटमेंट इस हिसाब से सही बन रही है कि भाई लिस्टेड के अलावा भी कुछ कंपनीज हैं, उन कंपनीज में भी ये स्पेसिफाई कर लें कि भाई वहाँ पे चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव सेम पर्सन नहीं होंगे, सही है, तो ये चल जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी अपनी जगह पे सही है। तो इसका ये मतलब है कि जब मैंने यहाँ पे लिस्टेड कंपनी लिख दिया तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, या तो मैंने ये गलत लिखा है या मैंने ये एडिशनल लिखा है।
सही। अब अगर मैं इस पूरे लॉ को पढ़ूं लिस्टेड कंपनी को हटा करके, सही है, लिस्टेड कंपनी को हटा करके पढ़ूं तो जा करके ये चीज़ सही लग रही होगी, सही है, कि हर बोर्ड जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का होगा और दो चेंजेस बेसिकली मुझे करनी होगी। यहाँ से मुझे लिस्टेड कंपनी हटाना होगा, यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई ये करवाना होगा कि किसमें दोनों सेम हो सकते हैं, सही है, क्योंकि वो ऊपर तो बता दिया कि भाई हो ही नहीं सकते सेम। खैर, ये है लॉ पढ़ने के एक तरीका। कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, सही है, आराम से सुकून से ये सेक्शन ही पढ़िएगा, रेगुलेशन ही पढ़िएगा, आपको इतना अंदाज़ा होगा कि कोई चीज़ कहीं पे एडिशनल डाली भी है, ड्राफ्ट किसी और तरीके से होना चाहिए था, ड्राफ्ट इतना मज़ेदार हुआ नहीं है, सही है, एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। आप लॉ की खूबसूरती ये होती है कि चीज़ें रिपीट नहीं हो रही होती हैं, बहुत प्यारे और अच्छे तरीके से पूरे एक सेंटेंस अच्छा सा चल रहा होता है, सही है, पूरी कहानी सिंपल बन रही होती है, एक ही बार बन रही होती है, कहीं रिपीटेशन नहीं होती, यहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो रही है, सही है। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, द चेयरमैन शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडरशिप ऑफ द बोर्ड एंड इंश्योर दैट द बोर्ड प्लेज एन इफेक्टिव एंड फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नॉर्मल चीज़ है ये, एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेटेड अंडर सेक्शन 223। ये 223 क्या बोल रहा है, ये हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है, लिस्टेड कंपनी की सिंपल नहीं कर रहा, सही है। तो एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेटेड अंडर सेक्शन 223 ऑफ द एक्ट शैल कंटेन अ रिव्यू रिपोर्ट बाय द चेयरमैन ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द रोल प्लेड बाय द बोर्ड इन अचीविंग द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर रही है अंडर सेक्शन 223, वो चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट लगाएगी, सही है, ये रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक हम अभी यहाँ तक एंड करते हैं, सही है, नेक्स्ट में हम 10 से स्टार्ट करेंगे और आगे लेकर के चलेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ आ गई होंगी चीज़ें, कोड कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई है कोड की नीड क्या थी, सही है, और किनको इंटरेस्ट हमें पब्लिक का प्रोटेक्ट करना है, लेकिन किनको रेगुलेट करना था, कौन प्रॉब्लम कर रहे थे उनको संभालना था, वो कौन थे, वो थे कंपनी के डायरेक्टर और ऑडिटर, सही, ये प्रॉब्लम कर रहे थे इनको संभालना था, तो इनको संभालने के लिए पूरा कोड है बेसिकली, सही है। तो आप कोड को देखोगे भी तो कोड में मेनली जो बातें की जा रही है वो इन्हीं के गिफ्ट की जा रही है, कोई मैंडेटरी चीज़ है तो वो इन्हीं से रिलेट कर रही है, कोई ज़्यादा एडिशनल कंप्लाइंस आई है तो इन्हीं के ऊपर आई है, सही है। चलें फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।